सो हाय गाइस, वेलकम टू अन एकेडमी नीट। कैसा है आज का जोश? क्योंकि आज हम मूल कॉन्सेप्ट पूरा फिनिश कर लेने वाले हैं। अरे यार, इसी के साथ फिर कल आपका एक न्यू यूनिट स्टार्ट हो जाएगा, विच इज पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। तो देखिए, अभी कुछ दिन पहले आपका हमने यहाँ पर फिजिकल केमिस्ट्री का क्लास 11 से पहला यूनिट स्टार्ट किया एंड आज आपका वो फिनिश होने वाला है। आई होप मूल कॉन्सेप्ट के साथ आपको मजा आया, पढ़ने में अच्छा लगा, और अगर आपने पहले से भी पढ़ा था तो उसके बाद भी आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो बेहतर बिल्ड हो पाए, आप बहुत सारी नई चीजें सीख पाए और आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग बन पाया है ना। विद दैट, शो मी सम जोश हियर इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि आज तो यार बनता है ना। कम ऑन, क्विकली शेयर दिस सेशन विद योर फ्रेंड्स। और आज हम फटाफट से अपना मूल कॉन्सेप्ट बढ़िया से विद सम गुड एनर्जी एंड ऐसा फर्स्ट क्लास जोश फिनिश करते हैं इसको, है ना। देखिए, आज के क्लास में, इससे पहले हम बात करें आज के क्लास की, अगर आप आकांक्षा मैम से पहली बार मिले हैं आज ऑन यूट्यूब, तो आई एम आकांक्षा, मैंने मास्टर्स किया है हंसराज कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से। इसी के साथ साथ यहाँ पर यार हमेशा ध्यान रखिए कि मैं और आप, हमारा सेम गोल है, क्या करना है, हमें साथ मिलकर पूरी मेहनत करनी है, कंसिस्टेंट एफर्ट्स डालने हैं और अपनी सीट फिक्स करनी है इंडिया बेस्ट मेडिकल कॉलेज में। इसी के साथ अगर आप चाहते हैं एक सिस्टमैटिक वे में आपकी पढ़ाई हो पाए, एक क्लियर रोड मैप के साथ, बढ़िया टीम के साथ जुड़कर, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, अच्छे गुड यू नो एक कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट में, जहां हर स्टूडेंट अपने वो गोल को हासिल करने के पीछे लगा है, अगर आप भी एक वैसा एटमॉस्फेयर चाहते हैं कि यार कहीं कोई भी गुंजाइश नहीं रह जाए, डाउट आए तो यहां पर पूछना है, कौन से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है वो आपके सामने हो, मतलब कि एब्सोल्यूट क्लैरिटी के साथ अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, और वैसा होना भी चाहिए, एक बार तो यार अगर आपने सोचा है कि मेरे को डॉक्टर ही बनना है, MBBS ही परस्यू करना है, तो एक बार तो डेफिनेटली आपने पूरा शिद्दत से, पूरी मेहनत के साथ और परफेक्ट गाइडेंस के साथ आगे बढ़ना चाहिए। उसके लिए ब्रह्मास 3.0 बैच आपका इंतजार कर रहा है। यहाँ पर मेरी क्लासेस, जो न्यू कोर्स है वो स्टार्ट हो जाएगा फ्रॉम 20th of September, तो आप हमें वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं और कोड यूज कर सकते हो AKA लाइव। तो यार ये जो आपका कोड है, दिस इज द कोड फॉर द पूरा टीम, यानी कि आप इसी के साथ अन अकेडमी में जितने भी एडुकेटर्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सबका सारा का सारा कॉन्टेंट अनलॉक कर लेते हैं एट द सेम टाइम। सबका गाइडेंस आपको मिलता है, सबके सेशंस आप अटेंड कर सकते हैं, जस्ट एवरीथिंग। अगर आपको कंफ्यूजन आए कि मैम प्लस लें कि आइकॉनिक, गो विद आइकॉनिक, क्योंकि आइकॉनिक में पॉसिबल हो पाता है पर्सनल इंटरेक्शन, आप अपने एडुकेटर के साथ लाइव सेशंस बुक कर सकते हो, साथ ही साथ आपको एक पर्सनल मेंटोर मिलते हैं जो खुद या तो उनका इधर उनका खुद का वैसा AIR रहा है, या फिर जिन्होंने बहुत सारे AIRs प्रोड्यूस किए हैं, जो बेस्ट समझते हैं आउट ऑफ देयर एक्सपीरियंस कि आपके लिए क्या वर्क करेगा, आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस के अकॉर्डिंग आपके लिए क्या बेस्ट है, तो यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग आपका कस्टमाइज स्टडी प्लान बनता है और अनअकैडमी स्टडी मटेरियल आपके घर तक आ जाता है। साथ ही साथ आप अपने पेरेंट्स को भी बता सकते हैं कि वो भी आपकी एक्टिविटी, आपकी परफॉर्मेंस ट्रैक कर पाएंगे विद द पेरेंट ऐप। और बाकी प्लस के तो सारे बेनिफिट्स आपको मिलते ही हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां आपने एनरोल करा लेना है। और यार फिर देखो, यहाँ पर अनसैट में तो पार्टिसिपेट करना 100% बनता है, क्योंकि यहाँ पर अक्रॉस दी कंट्री बहुत सारे स्टूडेंट्स, यार नीट JEE एस्पिरेंट, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट बात ये हो जाती है कि जहां पर इतना सारा कंपटीशन होने वाला है, एक ऐसे टेस्ट में पार्टिसिपेट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां से हमें समझ में आता है कि यार हम कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं। और फिर देखिए, द मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट, जो मुझे सबसे ज्यादा एक्साइट करता है, हैड आई बीन एट योर प्लेस, तो मेरे को तो यार बड़ा एक्साइटमेंट होता है ऐसा यूरोस्पेस सेंटर जाने का, है ना। तो आप लोग को नहीं लग रहा है कि मतलब यार यहाँ पर जाने के लिए मिलेगा अगर आप बेहतर, अच्छा परफॉर्म करेंगे, तो मेक श्योर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया है। तो यार क्या करना होगा, कोड यूज कर लेना AKA लाइफ, और ऐसा इट बी लाइक ऑलमोस्ट 100 rupees आपका एनरोलमेंट फी होगा, उतना भी आपको देना नहीं पड़ेगा, इस पर 10% डिस्काउंट मिल जाएगा वेन यू यूज द कोड AKA लाइफ। ऑनलाइन प्रेफर करते हैं ऑनलाइन दीजिए, ऑफलाइन प्रेफर करते हैं आप ऑफलाइन दीजिए, ठीक है। फिर इसी के साथ आज के सेशन की करते हैं शुरुआत, बट शो मी सम जोश, सम गुड एनर्जी यार, और ऐसा लगना चाहिए कि हाँ आकांक्षा मैम की क्लास शुरू हो चुकी है ना, और हमारा जो ये कनेक्शन होता है बड़ा सॉलिड वाला, वो इधर चैट सेक्शन में कोई भी हमें यहाँ पर आए, आज एक न्यू स्टूडेंट लेट से आए, तो उसको भी देखने के लिए मिलना चाहिए और वो भी इंस्पायर होना चाहिए कि यार क्या एनर्जी होती है एक नीट एस्पिरेंट की, और कैसा ऐसा कनेक्शन होता है टीचर और स्टूडेंट के बीच, है ना। कम ऑन क्विकली, इसी के साथ यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे आज सबसे पहले वेपर डेंसिटी। तो देखो यार, सबसे पहले तो ये कॉन्सेप्ट समझते हैं कि यार व्हाट एग्जैक्टली इज वेपर डेंसिटी, है ना। तो देखिए सिंपल सी बात है,
अगर आप किसी भी गैस का डेंसिटी कैलकुलेट कर रहे हो, है ना, आपके पास किसी भी एक गैस का डेंसिटी है, यार डेंसिटी तो सबको पता होता है ना, डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम, तो आपने लिया एक गैस, उसका कर लिया डेंसिटी कैलकुलेट। अब उस डेंसिटी को अगर आप डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन से डिवाइड कर देते हो तो वो आपका वेपर डेंसिटी बन जाता है। वेरी सिंपल। तभी तो देखिए यहां पर क्या लिखा है, बिल्कुल क्लियर डेफिनेशन आपको यहां पर नजर आ रहा होगा। क्या लिखा हुआ है कि यार डेंसिटी ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी कि गैस का डेंसिटी, ये देखो गैस का डेंसिटी डिवाइडेड बाय द डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस, कूल आ गया वेपर डेंसिटी, कूल है यार ये तो, मेरे को तो इसमें कोई मुश्किल बात लग नहीं रही है। अब यहां पर आपको क्या ध्यान रखना है कि ये वाली जो डेंसिटी आपने कैलकुलेट की है और ये जो हाइड्रोजन गैस की डेंसिटी आप ले रहे हो वो सेम टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस पर होना चाहिए, इसीलिए यहां पर ऐसा लिखा एट सेम टी एंड पी। मतलब कि भाई जिस कंडीशंस में आपने गैस की डेंसिटी फाइंड आउट की है वही सेम कंडीशंस में हाइड्रोजन गैस की डेंसिटी होनी चाहिए। दैट्स इट, दिस इज व्हाट वेपर डेंसिटी। अब आप खुद सोचकर बताइए, सोचो यार सोचो सोचो कि वेपर डेंसिटी का यूनिट क्या होगा, कुछ भी नहीं, यूनिटलेस। क्यों? ये यूनिटलेस होने वाला है क्योंकि मैम आप डेंसिटी को डेंसिटी से डिवाइड कर रहे हो। अब भाई डेंसिटी बाय डेंसिटी यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में अगर आप सेम ही प्रॉपर्टी लेंगे तो फिर तो आपका ये यूनिटलेस ही आएगा, है ना, क्योंकि डेंसिटी की यूनिट ऊपर क्या होती है, ग्राम पर एमएल, ऐसे ग्राम पर एमएल डिवाइड बाय ग्राम पर एमएल। सो ऑल इन ऑल ये एक फ्रैक्शनल क्वांटिटी बन जाता है और इसका यूनिट क्या आने वाला है, यूनिटलेस। यानी कि एग्जाम में 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आया, पूछे कि यार बताइए वेपर डेंसिटी का यूनिट क्या होता है, तो आप क्या कहेंगे, यूनिटलेस होता है। लर्न करना पड़ेगा, एब्सोल्युटली नॉट, है ना, ठीक है। फिर यार अपनी फेवरेट, आपकी फेवरेट, हम सबकी फेवरेट, कौन, जिसका हर दिन जिक्र होता है, आइडियल गैस इक्वेशन, है ना, आइडियल गैस इक्वेशन के पास आते हैं। देखो यार अपनी आइडियल गैस इक्वेशन कहती है कि यार मैम पीवी इज इक्वल टू एन आर टी होता है, क्या होता है, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी होता है, कूल कूल। अब यहां पर ये जो नंबर ऑफ मोल्स आपने लिखा है, अब तो तुम लोग इंटेलिजेंट हो, आप लोग सीख चुके हैं कि यहां पर ये जो नंबर ऑफ मोल्स है दिस इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास, है ना, दिस इज गिवन मास बाय मोलर मास। आरटी यहां पर ऐसे ही लिखा रहने दीजिए, पीवी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाय एम आरटी। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, यार अगर ये एम को इधर ले जाए, सोचो ना ये जो मोलर मास है अगर मैं इसको दूसरे साइड लेकर जाती हूं, यानी कि व्हाट इफ आई राइट डाउन पी एम इज इक्वल टू डब्ल्यू बाय वी आर टी, कोई मुश्किल कोई परेशानी आ रही है, नो मैम, है ना, एकदम सिंपल ही तो बात हुई है यार। अच्छा अब इसके बाद मेरे पास एक इक्वेशन आ रहा है पी एम इज इक्वल टू, बोलो ये क्या होता है, व्हाट इज डब्ल्यू बाय वी, मास बाय वॉल्यूम इज डेंसिटी। क्या लिखा है यहां पर, मास बाय वॉल्यूम, उसी को आप क्या कहते हैं, डेंसिटी कहते हैं। तो यहां पर क्या आ जाएगा, डी आर टी, क्या आया, पी एम इज इक्वल टू डी आर टी। ये एक बेहद 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 इंपॉर्टेंट रिलेशन आपके सामने, क्योंकि इससे रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। हालांकि इसको हम वापस से पढ़ेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर पे और इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन भी करेंगे, पर यहां पर आपको ये इसलिए पढ़ाया गया है सो दैट आप ये समझ पाए कि यार पी एम इज इक्वल टू डी आर टी। एक बात मेरे को साफ साफ समझ आ रही है कि डेंसिटी और मोलर मास, है ना, आपका जो डेंसिटी होता है और जो मोलर मास होता है उनके बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। मतलब अपना मोलर मास जैसे जैसे बढ़ेगा आपकी डेंसिटी भी बढ़ेगी, कूल है यार। तो देखो यहां पर D इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M, मतलब मोलर मास एंड डेंसिटी आर डायरेक्टली रिलेटेड। अच्छा किसी को ये लगे कि यार ये सब ठीक है मैम, इसको लर्न कैसे करेंगे, है ना, तो डर्टी पीएम, हालांकि इसका किसी से कोई भी लेना देना नहीं है, बट डर्टी पीएम डी आर टी इज इक्वल टू पीएम, ऐसे शायद आप लोग ध्यान रख पाएंगे, है ना। तो यहां पर ये अपनी बात हुई। उसके बाद यार क्योंकि आप लोग देख पा रहे हैं यहां पर अपना जो इक्वेशन है, इक्वेशन क्या कहता है, आई मीन वेपर डेंसिटी, यार देखो वेपर डेंसिटी जो होता है दैट इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ गैस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस। बोलो यार ऐसा ही होता है, वेपर डेंसिटी किसके इक्वल है, डेंसिटी ऑफ द गैस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस। अब हम पता है क्या करेंगे यहां पर डेंसिटी की जगह अगर मेरा दिल कहे कि यार मोलर मास लिख दो तो कोई प्रॉब्लम, लिख सकते हैं, क्योंकि आपने अभी अभी देखा कि डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास, है ना। तो यहां पर आप जहां डेंसिटी लिखा है वहां पर आप मोलर मास भी लिख सकते हैं, बिकॉज डेंसिटी कॉरेस्पॉन्ड्स टू मोलर मास एज दे आर डायरेक्टली रिलेटेड टू ईच अदर, करेक्ट है। तो यार यहां पर आप
आपने क्या लिखा, मोलर मास ऑफ गैस, और सिमिलरली यहां क्या आ जाएगा, मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन गैस। देखिए फॉर्मूला आपके देखते देखते कितना सिंपल अभी बन चुका है, क्योंकि हम जानते हैं भाई जो भी गैस हमने लिया होगा उसका मोलर मास तो हमें पता ही होता है। कोई भी गैस आपने लिया होगा उसका मोलर मास तो आप जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ कि यार तुमने ना नाइट्रोजन गैस लिया है ना, तो नाइट्रोजन गैस का मोलर मास कितना होता है, 28। ऐसे आपने लेट्स से कार्बन डाइऑक्साइड लिया है, 44, है ना। जो गैस लोगे उसका मास तो मोलर मास आप पता ही कर सकते हैं, और हाइड्रोजन गैस का मोलर मास कितना होता है, 2 होता है। आहा, तो देखिए एक नया फॉर्मूला आपके सामने है, और फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आप क्या कह सकते हो कि यार वेपर डेंसिटी विल बी इक्वल टू मोलर मास ऑफ द गैस डिवाइडेड बाय 2। अंडरस्टूड, कह दो यस मैम। वेपर डेंसिटी जो आपका आएगा वो कितना निकल कर आएगा, मोलर मास किसी भी गैस का, और उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। दिस बिकम्स योर स्टैंडर्ड फॉर्मूला फॉर वेपर डेंसिटी, रादर द सिंपलीफाइड एक्सप्रेशन फॉर वेपर डेंसिटी व्हिच यू विल बी यूजिंग फॉर योर क्वेश्चंस। यानी कि आगे आने वाले न्यूमेरिकल्स में ज्यादा कर आप यही सेम एक्सप्रेशन यूज कर रहे होंगे। तो देखिए कहां से अपनी शुरुआत हुई कि डेंसिटी ऑफ गैस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस, फिर उसको हमने सिंपलीफाई किया, डर्टी पीएम आई मीन पीएम इज इक्वल टू डीआरटी से आपने समझा कि यार डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, वहां से आपने यहां पर डेंसिटी की जगह मास वाला एक्सप्रेशन रखा है, और बस बाकी की स्टोरी आपके सामने है। वेपर डेंसिटी हैज बिकम इक्वल टू मोलर मास ऑफ द गैस डिवाइडेड बाय 2। अब देखते हैं आप लोग कितने इंटेलिजेंट हैं। ये क्वेश्चन का मुझे करेक्ट आंसर देना है आप लोगों ने। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि यार यहां पर जो आपका गैस है उसका डेंसिटी इज दिस मच, है ना, और उसके बाद यू हैव बीन गिवन द डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस एज वेल। यहां पर आपको डेंसिटी हाइड्रोजन गैस का भी दिया गया है, आपने क्या आइडेंटिफाई करना है कि यार इनमें से गैस कौन सा है। थोड़ा सा और जूम कर देते हैं आपके लिए क्वेश्चन को, यस, है ना, बताइए इसमें से गैस कौन होने वाला है। तो बहुत आसान है यार, है ना। देखो यहां से मुझे ऐसा लगता है वेपर डेंसिटी हर कोई कैलकुलेट कर पाएगा। वेपर डेंसिटी इज डेंसिटी ऑफ गैस डिवाइडेड बाय द डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस। डेंसिटी ऑफ गैस कितना है, 3.6 × 10⁻³, एंड डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस कितना है, 9 × 10⁻⁵। तो फिर क्या होगा बताइए, वेपर डेंसिटी कितना आएगा, जल्दी जल्दी जल्दी, कम ऑन क्विकली, आज यार लास्ट क्लास है हमारे मोल कॉन्सेप्ट की, और काफी काफी सारी बातें हमें पढ़नी है। तो जोश में मुझे अगर कमी नजर आई तो ऐसे तो मुझे तो अच्छा फील नहीं होगा, है ना। तुम चाहते हो ऐसा मुझे अच्छा ना लगे, तो मेक श्योर कि आप लोग एक बढ़िया एनर्जी बढ़िया मोमेंटम कैरी करें फॉर द पूरा आगे का क्लास, है ना। डी 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 40, हाँ जी, अरे वेरी गुड, 4040, है ना। सो यहां से आपके पास निकल कर आएगा कि वेपर डेंसिटी कितना है, 40 है। अच्छा, अगर वेपर डेंसिटी आपका 40 है, इसका मतलब आपने अभी अभी एक फॉर्मूला और पढ़ा, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय 2। दैट मींस यहां पर अगर मैं वेपर डेंसिटी और को मल्टीप्लाई कर दूं यार 2 से, तो क्या मेरे पास मोलर मास आ जाएगा। हां जी, आपके पास मोलर मास आ जाएगा। तो यहां आप वैसा ही करेंगे, यानी कि 40 मल्टीप्लाइड बाय 2 व्हिच विल गिव यू द मोलर मास ऑफ द गैस व्हिच इज 80 इन दिस केस, 8080। अब तो यार बहुत सिंपल है, अब ऐसे नहीं आपको लगना चाहिए कि ओ माय गॉड अब क्या करें। अब आप चेक करिए आपका कौन सा गैस है जिसका मोलर मास 40 है, क्योंकि SO2 की अगर आप बात करते हो तो यहां क्या होगा, 32 + 16 × 2 इज अगेन व्हाट, 32, तो ये तो 64 हो गया। नो जी, ये वाली गैस का मोलर मास तो आपका नहीं आ रहा है 80 के इक्वल, है ना। CO2 की बात करें 44 होता है, नाइट्रोजन यहाँ 28 होता है। SO3 में देख लेते हैं, SO3 में देखिएगा सल्फर का कितना हो जाएगा, 32। बाकी आपके पास 3 ऑक्सीजन बचा विथ 1 ऑक्सीजन एटम हैविंग 16 मोलर मास, तो कितना होगा, ये हो गया देखो 48 + 32 विच इज 8080। आहा, सो दिस इज योर गैस SO3। यानी कि यहां पर कौन से गैस की बात हुई है, SO3 की बात हुई है, सल्फर ट्राइऑक्साइड। ऐसा क्वेश्चन आए तो मजा आएगा कि नहीं बताइए, ऐसा क्वेश्चन आए तो आप लोग कर पाएंगे, है ना, है ना। यहां हमें क्या करना था, गैस को आइडेंटिफाई करना था। मोलर मास एक बार आप समझ जाएं तो फिर आई थिंक आसानी से रिलेशन यहां पर लगाया जा सकता है। ओ माय गॉड, कितना ज्यादा कंजूसी चल रहा है, इतने सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ लाइव ये सेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बट आई कैन सी मोस्ट ऑफ यू हैव स्टिल नॉट हिट द लाइक बटन। ऐसा क्यों, अटेंडेंस, ऐसा क्लास में जाते हो अटेंडेंस लगाते हैं ना, तो यहां पर मैं ऐसे तो आपको देख नहीं पा रही हूं, पर आप अपना डेडिकेशन, अपना प्यार, अपनी अटेंडेंस ऐसे इन द फॉर्म ऑफ लाइक्स तो हम तक पहुंचा ही सकते हैं कि नहीं, उसमें तो कंजूसी नहीं होना चाहिए ना।
चलिए, और देखो आकांक्षा मैम, सैटरडे संडे भी आपकी क्लास ले रही है, आज भी है और कल भी है, बाकी कोई क्लास है नहीं है, पर हम हैं आपके लिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ केमिस्ट्री बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, टाइमली हमारा सिलेबस फिनिश हो, मुझे भी अच्छा लगे, मैं भी रिलैक्स फील करूं एक एक कर जैसे जैसे हमारा यूनिट फिनिश हो, और आप भी ऐसे बेटर फील करोगे कि अच्छा यार एक यूनिट फिनिश, अच्छा लग रहा है ना आपको? देखो 4 डेज हम मिले हैं और एक यूनिट आज फिनिश कर लेने जा रहे हैं, ऐसे ही आप पीरियोडिक प्रॉपर्टी स्टार्ट करेंगे, फिर आगे बढ़ते रहेंगे और फटाफट हम लोग सारी यूनिट्स अपनी फिनिश करेंगे, है ना? चलिए, फिर हमारे पास नेक्स्ट आता है, यहाँ पर वी हैव दिस नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर अस, और ये क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, मतलब बेस्ड ऑन द सेम कॉन्सेप्ट है यार, और आई एम श्योर आप ये भी बता सकते हैं। देखिए क्या लिखा है, इफ वेपर डेंसिटी ऑफ अ गैस इज 14, कह रहे हैं कि अगर आपके पास एक गैस है जिसका वेपर डेंसिटी 14 है यार, तो आप बताइए उसकी गैस कौन सा होने वाला है। वेरी आसान, ये तो और भी आसान है यार, है ना, इसमें तो कोई चक्कर ही नहीं है, आपको कुछ तो बाकी कैलकुलेट करना नहीं है, क्या करना है, वेपर डेंसिटी बताना है। वेपर डेंसिटी इज मोलर मास ऑफ द गैस डिवाइडेड बाय 2, सो व्हाट यू विल डू, यू विल मल्टीप्लाई वेपर डेंसिटी को बाय 2 और आपके पास मोलर मास आ जाएगा। दैट मींस यहां से अगर इसको करते हैं तो 14 into 2 विच विल गिव यू द मोलर मास विच इज 28, और चेक करिए कि किसका मोलर मास 28 के इक्वल है, CO, बोलो बोलो, 12 plus 16, आहा ये होता है 28। पर बेटा ऐसे एक्साइटमेंट नहीं आना चाहिए आपकी लाइफ में कि यस ऑप्शन इज द राइट आंसर, ऐसा नहीं है, क्योंकि एक क्वेश्चन, एक ऑप्शन देखो, लास्ट ऑप्शन में लिखा है बोथ 1 and 3, तो आपको यहाँ पर थोड़ा देखना पड़ेगा, है ना, ऐसा नहीं कि बस क्योंकि ऑप्शन ए में लगाया और 28 आया तो बस तुम लोग लिख डालोगी यू नो 28 इज द राइट आंसर, ऐसा नहीं करना है, सबको चेक करिए। बी तो डेफिनेटली नहीं है, लेकिन यहाँ पर एन टू की अगर आप बात करते हो, अगेन 14 into 2 एंड सो 28 विच इज बोथ 1 and 3 विल बी द राइट आंसर। वाओ मजा आया ना, तो देखिए इसी के साथ हमने वेपर डेंसिटी का कॉन्सेप्ट भी पढ़ लिया। वेपर डेंसिटी अदरवाइज बच्चों को ऐसा लगता है कि यार ये तो पता नहीं क्या ही है ना, कितना सिंपल था, ये था वेपर डेंसिटी और फिनिश भी हो चुका है, 2 क्वेश्चन भी आप कर चुके हैं। इसी के साथ परसेंटेज कॉम्पोजिशन हमारा नेक्स्ट पार्ट है, बहुत आसान बात है परसेंटेज कॉम्पोजिशन। देखिए परसेंटेज कॉम्पोजिशन का मतलब क्या है, आप लोग ऐसा जैसे लेट्स से कोई क्रीम परचेज करते हो या फिर ऐसा कोई भी सामान जिसमें केमिकल्स हो, तो आप देखते हैं कि वहां पर जो उसके इंग्रेडिएंट्स वाला पार्ट होता है उसमें लिखा होता है ना कि कैल्शियम इतना परसेंटेज और ये इतना परसेंटेज, ये इतना परसेंटेज, है ना, तो उसी को हम परसेंटेज कॉम्पोजिशन कहते हैं। कहने का मतलब आपके पास अगर एक कोई कंपाउंड है तो उसमें इंडिविजुअल एलिमेंट्स का कितना परसेंटेज प्रेजेंट है उसको हम क्या कहते हैं, परसेंटेज कॉम्पोजिशन कहते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल आपके पास यार लेट्स से यू हैव कैल्शियम कार्बोनेट, है ना, या फिर और भी इजी कर लेते हैं इसको, सबसे पहले हम एक बड़ा आसान सा एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से आपके पास अमोनिया है, और मैं आपसे पूछ रही हूं कि यार मेरे को एक बात बताओ इसके अंदर आपके पास कितना परसेंटेज है नाइट्रोजन का, तो आप क्या कहेंगे कि यार मैम चेक करते हैं कि आपके पास इस कंपाउंड के अंदर नाइट्रोजन का मास कितना है, एंड देन वी विल डिवाइड दिस बाय द टोटल मास ऑफ द कंपाउंड। ये जो हमारा कंपाउंड है विच इज अमोनिया, उसका मास चेक करेंगे, और क्योंकि आपको परसेंटेज रिपोर्ट करना है तो वी विल मल्टीप्लाई बाय 100। परसेंटेज की बात होगी तो 100 से तो हम दूर नहीं रह पाएंगे, 100 तो आएगा ही आएगा, है ना, तो यहां पर आपके पास क्या हो जाएगा यार, देखिएगा मास ऑफ नाइट्रोजन कितना है बताइए, मास ऑफ नाइट्रोजन 7, अरे अरे 7 कब से होने लगा, 14, है ना, तो मास ऑफ नाइट्रोजन की जगह क्या आएगा, 14, एंड मास ऑफ द कंपाउंड विल बी 14 plus 3 which is 17, तो 14 by 17 यहां पर मल्टीप्लाइड बाय 100 और आपके पास क्या निकल कर आ जाएगा, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकल कर आ जाएगा। वेरी आसान। अब वही अगर आपसे पूछ लिया जाए कि यार इसी अमोनिया के अंदर मेरे को बताओ परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कितना है, इतनी सिंपल बात हो रही है, तो आप क्या कहोगे कि यार मैम चेक कर लेते हैं कि ये जो आपका कंपाउंड है इस पे मास ऑफ हाइड्रोजन कितना है, डिवाइड कर दीजिएगा बाय द मास ऑफ अमोनिया यानी कि पूरा कंपाउंड, एंड मल्टीप्लाई दिस बाय 100। ठीक है, तो यहां पर अगर आप ये कंपाउंड में देख रहे हो यार, ये जो अपना अमोनिया है, कूल, अमोनिया के अंदर तो 3 हाइड्रोजन एटम है कि नहीं, बोलो बोलो, है ना, 3 हाइड्रोजन का कितना मास होगा, 3। तो गलती से यहां पर ऐसा नहीं कि जस्ट बिकॉज मास ऑफ हाइड्रोजन लिखा है तो आप 1 ले ले, नहीं, मास ऑफ हाइड्रोजन कितना है इन दी कंपाउंड यानी कि इन अमोनिया, वो आपको देखना है। तो यार यहां पर 3 हो जाएगा, डिवाइड दिस बाय 17, मल्टीप्लाई दिस बाय 100, यू विल हैव दी परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन यू हैव इन दिस कंपाउंड। ठीक है, आपके पास यहां से परसेंटेज हाइड्रोजन निकल कर आएगा।
बड़ा इजी है यार, है ना, यही होता है परसेंटेज कंपोजिशन। देखिएगा, फॉर एग्जांपल अब हमने एक बड़ा सा कंपाउंड ले लिया है, बड़ा कौन है यहाँ पर, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, ये हमने यहाँ पर आपका कंपाउंड लिया यार, ये देखो कैल्शियम कार्बोनेट। अब इसका हम क्या क्या देखने वाले हैं कि इसमें कैल्शियम का कितना परसेंटेज है, कार्बन का कितना परसेंटेज है, ऑक्सीजन का कितना परसेंटेज है। तो आप लोग क्या देखेंगे कि यार ये जो अपना कैल्शियम कार्बोनेट है इसके अंदर पहले तो देखिएगा कि इसका मोलर मास कितना है ना, आप देखेंगे कि इसका मोलर मास कितना है। तो मोलर मास हमने कैलकुलेट कर लिया, कैसे करेंगे आप इसका मोलर मास कैलकुलेट, कैल्शियम का 40, कार्बन का 12, देन 3 × 16 बोले तो 48, है ना, तो यहां से आपके पास टोटल मास निकल कर आएगा, मोलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट विल बी 100। फिर अगर आपको परसेंटेज देखना है कैल्शियम का, तो कैल्शियम का मास कितना होता है, 40 होता है, और यहाँ एक ही कैल्शियम आइटम है, तो 40 / 100, क्योंकि 100 इज द मोलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, मल्टीप्लाई बाय 100, 40% आएगा। फिर कार्बन का परसेंटेज देखेंगे तो यहां क्या आएगा, 12, क्योंकि कार्बन का मास होगा इधर 12, डिवाइड बाय 100, बिकॉज दैट इज द मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट मल्टीप्लाइड बाय 100। वेरी सिमिलरली यू कैन डू दिस फॉर ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन है, 3 × 16 विच इज 48, एंड रेस्ट इज वही जो आप जानते हैं। बोलो कितना आसान, बस इसे कहते हैं परसेंटेज कॉम्पोजिशन। आहा, कोई मुश्किल यहां तक, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है, इनफैक्ट ये नीट, इनफैक्ट जेई का भी ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रह चुका है, सो इसको प्लीज ध्यान से देखिएगा। क्या लिखा है, इंसुलिन कंटेन्स 3.2% सल्फर, व्हाट इज द मिनिमम मोलर मास ऑफ इंसुलिन। कैसे करेंगे आप ये क्वेश्चन, इंसुलिन है हमारे पास, ऐसे सबको पता है ना इंसुलिन होता है ब्लड में, इंसुलिन इंजेक्शन भी लेते हैं जो जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, जानते हैं आप ये। तो यार वो जो इंसुलिन, वही वाला इंसुलिन जो आप बायोलॉजी में पढ़ते हैं, वो जो आपका इंसुलिन है, वो बता रहे हैं कि उसके अंदर सल्फर होता है और 3.2% होता है। तो आप जरा हमें ये बताइए कि इंसुलिन का मिनिमम मोलर मास कितना होगा, कि मतलब यार कम से कम इतना तो होगा ही होगा, है ना, ये आपको बताना है। तो देखो क्वेश्चन का अप्रोच क्या होना चाहिए, जितना हमें गिवन है उसी बेसिस पर हम क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। अब किसी को नहीं पता, ऑब्वियसली मेरे को भी नहीं पता यार कि इंसुलिन का फॉर्मूला क्या होता है। अब ऐसे कौन लर्न करेगा ना कि इंसुलिन का फॉर्मूला इज दिस, बहुत बड़ा फॉर्मूला आएगा, स्ट्रक्चर भी बड़ा सा होगा, तो किसी को भी नहीं पता होता है, और आपको दिया भी नहीं, वो तो आपके स्कोप से बाहर है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि क्योंकि मुझे इंसुलिन का परसेंटेज ऑफ सल्फर पता है, अगर बाकी कोई और कंपाउंड दिया होता और उसमें परसेंटेज ऑफ सल्फर दिया होता तो आप क्या करते, आप कहते कि यार देखो इस कंपाउंड के अंदर मास ऑफ सल्फर चेक कर लो और डिवाइड कर दो बाय दी मास ऑफ कंपाउंड, और कंपाउंड यहां पर कौन है, इंसुलिन है ना, एंड मल्टीप्लाई दिस बाय 100, यही होता। बोलो यार, तो यहां पर ये परसेंटेज ऑफ सल्फर तो आप ऑलरेडी जानते हो कितना है, 3.2% है, ये आपको 3.2% दिया गया है। अब मोलर मास ऑफ सल्फर, मोलर मास ऑफ सल्फर कितना होता है, 32। किसी किसी को यहां पर लग सकता है कि यार मैम ऐसा जरूरी कोई ना है कि इंसुलिन में एक ही सल्फर हो, नहीं ऐसा इनफैक्ट होता भी नहीं है। लेकिन आपको क्या पता है इंसुलिन में कितने सल्फर होते हैं, आपको पता है, 2, 3, 4, नहीं पता, किसी को भी नहीं पता है। और इसीलिए बहुत स्मार्टली एग्जामिनर ने आपसे क्या पूछा है कि मिनिमम मोलर मास बताइए, क्योंकि उसको भी पता है आपको नहीं पता कितने सल्फर हैं, कि कम से कम इतना तो हो गए, तो यानी हम कम से कम एक सल्फर ही काउंट कर चलेंगे यहां पर, क्योंकि 2, 3, 4 हम तो जानते नहीं है, तो यहां पर हम मिनिमम वैल्यू काउंट कर चलेंगे कि यार अगर एक सल्फर है तो एक सल्फर का मोलर मास 32 रहा होगा, और फिर यहां पर आप क्या कर देंगे, यू विल डिवाइड दिस बाय द मास ऑफ इंसुलिन, और यहां पर आपने 100 से तो मल्टीप्लाई किया ही हुआ है, तो यार मास ऑफ इंसुलिन बताइए कितना निकल कर आएगा। बोलो यार, बोलो बोलो, 32 मल्टीप्लाइड बाय 100 एंड डिवाइड दिस बाय 3.2, यू विल हैव 1000 आ जाएगा आपके पास मोलर मास ऑफ इंसुलिन, ठीक है, कितना आएगा, आहा वेरी गुड, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने एकदम परफेक्ट आंसर दिया है, 100 व्हिच इज 1000, दिस विल बी द मिनिमम मोलर मास ऑफ इंसुलिन। कोई मुश्किल यहां तक, वेरी गुड यार, आई होप सबको इतनी बात बिल्कुल बढ़िया से क्लियर है और समझ आई है ना, परफेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आते हैं, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। यानी कि यार देखिए, आपके पास ना ऐसा बहुत सारे लॉज देखने के लिए मिलेंगे आपको, एकदम बेसिक बेसिक, जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन एंड गे-लियोसैक्स लॉ। सो दीज आर ऑल द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। यानी कि दुनिया में जब जब ऐसा ऐसा होता है, कैसा कैसा रिएक्टेंट्स आपस में मिलते हैं, प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन होता है, केमिकल कॉम्बिनेशन होता है, यानी कि
केमिकल्स आपस में कंबाइन करते हैं, तो जब कुछ नई चीज बनती है तो वो कुछ सर्टेन सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करते हैं, और वो रूल्स आपके सामने कौन कौन, ये तो हम सबने सुना है, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है ना, फिर उसके बाद आता है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, देन वी हैव लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, वी ऑल्सो हैव गे-लियू-सैक्स लॉ. तो यार ऐसा नहीं है कि आपको ऐसा लर्न करना पड़ेगा, मैम दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मैम दिस इज दिस, मैम दिस इज दिस, ऐसा नहीं है. आपको अपने आप ध्यान हो जाएंगे सारे के सारे लॉस, ठीक है. अभी इसको समझिएगा एंड इनफैक्ट मैं आपको बता दूंगी कि यहां से क्वेश्चंस कैसे आते हैं. तो देखिए सबसे पहले हमारे पास है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. जैसे वो कह रहा है वही वो कहना चाहता है कि हाँ कि मास हमेशा कंजर्व्ड रहेगा, यानी कि आपके पास मास को आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो, है ना. कहने का मतलब क्या है, आप इसको एक केमिकल रिएक्शन के टर्म्स में सोचिए. वो कहना चाहते हैं कि जितना मास रिएक्टेंट का होगा उतने ही मास का प्रोडक्ट आपके पास बनेगा, यानी कि ऐसा नहीं कि मास बीच में कहीं गायब हो जाएगा या एक्स्ट्रा मास आकर ऐड हो जाएगा, नहीं. अगर एक केमिकल रिएक्शन हो रही है तो उसमें जितना टोटल मास रिएक्टेंट्स का होगा उतना ही टोटल मास किसका होने वाला है, प्रोडक्ट का होने वाला है. इसका मतलब आपके पास लेट्स से फॉर एग्जांपल यू हैव दिस रिएक्शन N2+3H2 एंड दिस गिव्स यू अमोनिया, है ना यार. आपके पास ये है, हाँ, 2 अमोनिया आएगा अगर आप इक्वेशन को बैलेंस करते हो. बैलेंस्ड इक्वेशन में देखना है हमेशा, कंजर्वेशन ऑफ मास के लिए आपको बैलेंस्ड इक्वेशन चाहिए. अब यार इसमें रिएक्टेंट्स कौन है, यार ये रिएक्टेंट्स है कि नहीं, नाइट्रोजन एंड 3 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के, दीज आर योर रिएक्टेंट्स, ठीक है. तो यहां पर अगर आप नाइट्रोजन की बात कर रहे हो N2, इसका मोलर मास कितना होगा 14. हाइड्रोजन की बात कर रहे हो कितना होगा इसका मोलर मास, देखो यार यहां पर हो जाएगा 14 × 2, क्योंकि नाइट्रोजन के एक एटम का मास 14 होता है, पर हमारे पास तो N2 गैस है, तो 14 × 2 कितना हुआ 28 हुआ, ठीक है. ऐसे यहां पर 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन का मोलर मास होगा 2, है ना. 3 × 2 विल बी 6, तो 6 हो गया. अच्छा अमोनिया का चेक करते हैं एक बारी, अमोनिया का देखिएगा कितना होता है, तो इट विल बी 2 × 17, है ना, 2 × 17 होगा विच इज 3434. और आप देखिए 28+6 करते हैं यार अगर, तो ये भी तो 34 आता है. तो यहां पर भी आपका मास ऑफ द प्रोडक्ट और मास ऑफ द रिएक्टेंट बिल्कुल सेम टू सेम निकल कर आया कि नहीं. तो आप देख पा रहे हैं कि इक्वेशन से भी साफ साफ प्रूव हो रहा है कि आपका जो मास होगा वो कैसा रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा. यानी यार मास के साथ कुछ नहीं किया जा सकता है, जितना आपने टोटल मास लिया होगा रिएक्टेंट्स का उतना ही आपको टोटल मास ही मिलने वाला है किसका, प्रोडक्ट का. तो यहां पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों ही केस में आपके पास मास कितना निकल कर आया है 3434, है ना, है ना. बोलो मुश्किल, नो मैम, है ना. आगे बढ़े, देखिए अब इसमें हमारे पास एक आता है एक्सेप्शन. एक्सेप्शन कहाँ आता है, न्यूक्लियर रिएक्शंस के केस में, यानी कि ये एक इंपॉर्टेंट बात है, इसके ऊपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पहले पूछा गया है. एंड इनफैक्ट मैं भी आपको जो डीपीपी ऑलरेडी इनफैक्ट दे चुकी हूँ, है ना, वो डीपीपी आज जो है आपका उसमें भी आपको एक क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा. टेलीग्राम मिलेगा आपको मेरे नाम के साथ, आकांक्षा कर्णवाल. मेरे नेम का स्पेलिंग, स्पेशली मेरा सरनेम काफी अलग है तो उसका स्पेलिंग शायद आप नहीं समझ पाएंगे, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिएगा वो लिखिएगा टेलीग्राम पर, है ना. तो टेलीग्राम पर आपको एक ग्रुप मिलेगा, एक चैनल मिलेगा, उनको ज्वाइन कर लीजिए. क्योंकि मैं अनअकैडमी पर पढ़ाती हूँ, जितनी मेरी स्पेशल क्लासेस हैं, फ्री क्लास है और क्या बोलते हैं प्लस क्लासेस हैं, आइकॉनिक क्लासेस हैं, सबकी डीपीपी सबकी पीडीएफ वहां शेयर होती है, जानते हैं आई होप आप. और इसी के साथ बाकी भी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ वहां पर शेयर करती हूँ. तो मेक श्योर आपने मुझे ज्वाइन किया है, अभी तक नहीं किया है तो शुभ काम में बिल्कुल देरी नहीं होना चाहिए, अभी कर लीजिए. फिर इसके बाद ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है यार, इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा देखना पक्का, है ना. देखो क्या कह रहे हैं कि न्यूक्लियर रिएक्शन नहीं फॉलो करती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. अब ऐसा कैसे, अच्छा आपने वो आइंस्टीन इक्वेशन होता है ना, एक E=mc² ये सुना है, E=mc² सबने सुना है ना. तो एक्चुअली यही होता है. न्यूक्लियर रिएक्शंस कौन से रिएक्शंस होते हैं जो रुकती नहीं है, होते चले जाते हैं. और न्यूक्लियर रिएक्शंस इसीलिए तो इतना डेंजरस होते हैं क्योंकि वो हाईली एक्सोथर्मिक होती है. हाईली एक्सोथर्मिक का मतलब होता है बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है. जब भी एक न्यूक्लियर रिएक्शन होगा बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगा, ठीक है. तो वहां पर क्या होता है, न्यूक्लियर रिएक्शंस के केस में बहुत सारा अमाउंट ऑफ एनर्जी आपका मास के फॉर्म में उसका लॉस हो जाता है. क्या होता है,
मास के फॉर्म में एनर्जी का लॉस हो जाता है, और ये वाला एक्सप्रेशन भी आपको वही कहता है। देखो E इज इक्वल टू एम एम सी स्क्वायर में m क्या है, मास ही तो है यार, तो यहां पर क्या होगा, बहुत सारा मास एनर्जी के फॉर्म में गायब हो जाएगा, खो जाएगा एनर्जी के फॉर्म, मतलब एनर्जी के टर्म्स में निकल जाएगा बहुत सारा मास, इसीलिए आप उसको बैलेंस नहीं कर पाएंगे। आप ये नहीं कह पाएंगे कि मोलर मास ऑफ दी मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट, क्योंकि वहां पर काफी सारा मास विल एस्केप इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, एंड दिस इज यू नो प्रूव्ड बाय दिस इक्वेशन E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो आपसे वैसे कोई पूछेगा नहीं, ना ही एनसीईआरटी में लिखा है, आपको हर कोई सिर्फ यही बताएगा और यही आपसे पूछा जाएगा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास न्यूक्लियर रिएक्शन फॉलो नहीं करती है, पर आपको ये रटना नहीं पड़ेगा क्योंकि आपको इसके पीछे का रीजन अभी समझ आ गया है ना यार। आगे बढ़ते हैं, फिर इसके बाद हमारे पास ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार, प्लीज इसको एक बार खुद ट्राई कीजिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगा है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वन वेरी गुड क्वेश्चन, और अच्छा है, थोड़ा सा आपको टाइम भी लगेगा, दिमाग भी लगेगा इसमें, मैं आपको ये आपके साथ में डिस्कस करूंगी स्पेशल क्लास में है ना, अगर आपसे नहीं हो पाए तो ऑब्वियसली मैं आपके साथ डिस्कस ही करूंगी इसको स्पेशल क्लास में। देखिए ध्यान रखिए, स्पेशल क्लास हर दिन हो रही है, नहीं नहीं हर दिन नहीं, हर ऑल्टरनेट डे हो रही है 3 PM, तो आपका डीपीपी नंबर 1 और डीपीपी नंबर 2 का डिस्कशन हो चुका है, बाकी सारे क्वेश्चंस मैं आपके ऑलरेडी टेलीग्राम पर फॉरवर्ड कर चुकी हूं। उसके बाद ऑन मंडे 3 PM हम वापस मिलेंगे और इसका डिस्कशन करेंगे। तो टुमारो सिंस इट इज संडे वी डू नॉट हैव अ स्पेशल क्लास, हाउएवर वी डू हैव अ यूट्यूब क्लास, कल रात 8 बजे तो आपकी क्लास होगी, पर स्पेशल क्लास नहीं है, स्पेशल क्लास हर ऑल्टरनेट डे होगी। तो मेक श्योर आप स्पेशल क्लास में आने से पहले बढ़िया रिविजन कर आते हो, पहले जितने क्वेश्चन कराए गए उनको प्रैक्टिस कर आते हो, एकदम ऐसा फुल तैयारी के साथ आते हो, है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट एंड डेफिनेट प्रोपोर्शन। इस बात का मतलब क्या है, बात का मतलब कुछ नहीं है, ये तो एक लॉ है ना। तो देखिए लॉ ऑफ कांस्टेंट एंड डेफिनेट प्रोपोर्शंस आपको क्या कहते हैं, क्योंकि मैं देखती हूँ यूजुअली स्टूडेंट्स को यार ये लॉज इतने खतरनाक लगते हैं ना कि आप समझ ही नहीं पाते है ना, कौन लॉ क्या कहना चाहता है, बड़ी मुश्किल, एंड मैम बड़ी मुश्किल है ना, मेरे को पता है यार ऐसा होता है। तो यहाँ पर हम सीखते हैं यार कि ये लॉज आपको क्या कह रहे हैं ना विद एग्जाम्पल, तो आपको ऐसा डेफिनेशन तो डेफिनेटली किसी की आपको रटनी नहीं पड़ेगी इसके बाद। देखिए अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, पहले हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं क्या लिखा है, फिर उसको जस्टिफाई करेंगे, उसको ही समझेंगे। लिखा है कि आपके पास अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एलिमेंट्स कंबाइन इन सिंपल रेशियो ऑफ देयर मासेस टू फॉर्म कंपाउंड्स एंड द रेशियो रिमेन्स फिक्स्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स ऑफ प्रिपरेशन। कुछ समझ आया, नो मैम, है ना। तो देखो जैसे आपका फेवरेट वॉटर, वॉटर जो होता है उसमें अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि यार मेरे को एक बात बताओ, ये वाटर मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मोलर मास का रेशियो क्या है, तो आप क्या कहोगे कि यार मैम देखो मोलर मास का रेशियो तो ऐसा 2:16 टाइप का नजर आ रहा है, और 2:16 को फर्दर सिंप्लीफाई किया जाए तो कितना नजर आएगा, 1:8 नजर आएगा, है ना, कितना आएगा, 1:8 नजर आएगा। अब भाई आप चाहे टैप वाटर ले लीजिए, आप चाहे फिल्टर्ड वाटर ले लीजिए, आप चाहे डिस्टिल्ड वाटर ले लीजिए, चाहे बिस्लरी का पानी ले लीजिए, चाहे आप ऐसा पॉन्ड का पानी ले लीजिए, ओशन का ले लीजिए, इधर उधर जितने भी मल्टीपल सोर्सेज हैं वाटर के, आप कहीं से भी पानी लीजिए, वहां पर ये रेशियो हमेशा फिक्स रहने वाला है। यानी अगर H2O बना होगा तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन विल बी देयर इन दिस रेशियो ऑफ 1:8। यानी कि आपके पास ये जो मासेस का फिक्स रेशियो है जिसमें उन्होंने कंबाइन कर ये H2O मॉलिक्यूल बनाया है, ये फिक्स रहने वाला है। समझ रहे हैं आप इतनी बात, पानी पानी है, पानी पानी होता है, कहीं से भी बने कैसे भी बने, उसमें अगर H2O बना है तो फिर 1:8 का रेशियो फॉलो होगा। बिल्कुल उसी तरह लेट्स से वी हैव कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड में भी मास का रेशियो कितना है, 12:16 है ना यार, सॉरी 16 नहीं है, अरे बुद्धू दो ऑक्सीजन है ना, 32 आएगा, है ना यार। अब इसको कर दो सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई करेंगे तो फिर 3:8 आएगा, है ना, हाँ जी, बिकॉज दे आर बोथ मल्टीपल्स ऑफ 4, सो वी विल हैव 3:8। तो आपके पास ये जो 3:8 आया है ये हमेशा फिक्स रहेगा। CO2 कैसे भी बने, चाहे कंबशन ऑफ कार्बन से बने, चाहे आप फॉर्मिक एसिड से बना दो, चाहे आप कैल्शियम कार्बोनेट से बना दो, CO2 अगर बनेगा तो वहां पर आपके पास 3:8 का ही
फिक्स्ड रेशियो रहने वाला है. ये होता है लॉ ऑफ कांस्टेंट एंड डेफिनेट प्रोपोर्शंस, यानी कि आपका जो प्रोपोर्शन है, जो रेशियो है, वो कांस्टेंट रहने वाला है. बोलो यार, यहां तक कोई मुश्किल? कह दो नो मैम, कोई मुश्किल नहीं है, है ना? जल्दी से बताइए, क्या अभी तक आपको कोई ऐसी बात लगी विच इज लाइक ओ माई गॉड दिस इज सो मुश्किल यार? नहीं. इसी के साथ जितने स्टूडेंट्स यहाँ पर मेरे साथ अभी बने हुए हैं, जितने स्टूडेंट्स हमें देख रहे हैं, मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन, मेक श्योर कि आपने अपना अटेंडेंस मार्क किया है. और फिर उसके बाद आज यहाँ पर हर एक स्टूडेंट जिसने मुझे पहली क्लास से अब तक फॉलो किया है, आप सब यहाँ पर कॉमेंट सेक्शन में आफ्टर द सेशन गेट्स ओवर जरूर लिखेंगे कि यार मैम हमारा जो है फर्स्ट यूनिट इज डन, है ना? तो जो भी आपके दिल में आए ये बात को समझते हुए कि यार हमारा पहला यूनिट फिनिश हो गया है, जैसा भी आप फील करें आप जरूर बताएंगे मुझे इन दी कमेंट सेक्शन, ठीक है? चलिए फिर दूसरे आपके लॉ की तरफ बढ़ते हैं. नेक्स्ट हमारे पास आता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. नेक्स्ट क्या होता है यार? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. ये कहता है कि व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म टू और मोर प्रोडक्ट्स, देन मासेस ऑफ वन एलिमेंट व्हिच कंबाइंस विद अ फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट विल ऑलवेज बी इन अ सिंपल रेशियो. इस बात का मतलब क्या है, है ना? ऐसे तो नहीं समझ आया मैम हमें तो कुछ भी, मेरे को पता है. तो यहां पर इस बात का ये मतलब है यार कि देखो, जैसे कि हमारे पास एक एलिमेंट हुआ कार्बन, और कार्बन जो है ना ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके दो तरीके के प्रोडक्ट्स बना सकता है. क्या क्या? जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन हो सकता है, और कार्बन डाइऑक्साइड का भी फॉर्मेशन हो सकता है कि नहीं. वी कैन हैव CO व्हिच इज कार्बन मोनोऑक्साइड, वी कैन आल्सो हैव CO2. तो यहां पर अगर आपको ऐसा देखने के लिए मिल जाए, कहने का मतलब कि अगर आपके पास कार्बन है, तो देखो यहां पर इसीलिए बहुत सही तरीके से उन्होंने लिखा है कि व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म, यानी कि जब दो या उससे ज्यादा, यहां पर दो कौन है, एक कार्बन और एक ऑक्सीजन. पहला लाइन का मतलब टू और मोर, ऐसा टू तो हो ही गया, एक कार्बन और एक ऑक्सीजन. कंबाइंस टू फॉर्म टू और मोर प्रोडक्ट्स, यानी कि जब वो मिलते हैं और इस तरीके से दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, तो ये दोनों मिले, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ. तो यहां पर क्या लिखा है, देन मासेस ऑफ वन एलिमेंट विच कंबाइंस विद द फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट विल ऑलवेज बी इन अ सिंपल रेशियो. यानी कि यहां पर जो मास होगा एक एलिमेंट का, वो दूसरे एलिमेंट के मोलर मास के साथ एक सिंपल रेशियो बियर करेगा. कहने का मतलब है कि देखो यार, ये दोनों ही केस में कार्बन का मोलर मास तो फिक्स्ड है, ये वाला मास तो फिक्स्ड है. ये वाले केस में आपके पास ऑक्सीजन का मोलर मास कितना है, 16, और यहां पर ऑक्सीजन का मोलर मास कितना है, कितना है जल्दी बताओ, 32. तो यहां पर ये देखिए ऑक्सीजन के बीच में क्या रेशियो रहने वाला है, 16:32, यानी कि 1:2 का. करेक्ट है? बोले यहां तक आप लोग को समझ आया? जल्दी से बता दो कि यस मैम, इतना तो अंडरस्टूड है ना? तो यहां पर जो एलिमेंट बच जाएगा, यानी एक का मास तो फिक्स हो गया, फिक्स किसका हुआ यहां पर, कार्बन का, 12 12 दोनों केस में. जो दूसरा एलिमेंट बचा है विच इज ऑक्सीजन, वो दोनों कंपाउंड्स में एक सिंपल रेशियो, होल नंबर रेशियो दिखा रहा होगा. क्या दिखा रहा होगा? एक सिंपल होल नंबर रेशियो दिखा रहा होगा. इसके ऊपर और क्लैरिटी लेते हैं और एक और एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं. जैसे सल्फर है यार, सल्फर आपका ऐसे ही ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट जब करता है तो SO2 का फॉर्मेशन भी कर सकता है, और SO3 विच इज सल्फर ट्राई ऑक्साइड का फॉर्मेशन भी कर सकता है, है ना? तो यहां पर अगर आप देख रहे हो तो यार सल्फर का तो मास फिक्स्ड ही है, ये वाले केस में भी 32 और ये वाले केस में भी 32, है ना? और अगर हम ऑक्सीजन की बात करते हैं तो हियर वी हैव द ऑक्सीजन का मोलर मास है 32 और यहां पर आपके पास कितना है, 48. तो इसका मतलब ये अगर सल्फर का मास, क्योंकि आपने ऑलरेडी फिक्स कर लिया दोनों ही केस में 32 है, तो ये जो आपका ऑक्सीजन बचा है वहां पर रेशियो कितना है, 32:48 का है, विच इज 3:8 कह दें, नहीं है ना? तो ये आपके पास यहां पर एक सिंपल रेशियो निकल कर आता है, किसका, 2:3 का. तो यहां पर यू हैव दिस, ठीक है यार? बोलो, दिस वॉज योर लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस, ये भी डन हुआ है ना?
दिस इज ऑल्सो डन. अच्छा यहाँ पर ना एक बड़ा ही फेवरेट क्वेश्चन एग्जामिनर का, वो पूछते हैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड से रिलेटेड, यानी वो आपको पता है क्या कहते हैं, कुछ नहीं आएगा क्वेश्चन, बड़ा सिंपल आएगा, यहाँ से देखते ही हो जाएगा, तो ऐसे मत घबराना. ओ माई गॉड, ऐसे क्या हम लोग एग्जाम में बैठकर रेशियो कैलकुलेट करेंगे? नहीं 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 नहीं, क्वेश्चन एकदम सिंपल आएगा. क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग विल जस्टिफाई लॉ मल्टीपल प्रोपोर्शंस. ऐसा सिंपल सा डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि कौन से आपके पास ये जो एग्जाम्पल है उस ये गिवन है, फोर सेट ऑफ एग्जाम्पल्स आपको गिवन होगा, विच विल फॉलो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस, दैट्स इट. तो एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ से कि जैसे यार नाइट्रोजन होता है ना, तो वो पूछते हैं आपको कि यार नाइट्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है तो ऐसा मल्टीपल ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन होता है. कैसे? यहाँ पर ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, एक तो आपके पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है, देन यू ऑल्सो हैव लाइक N2O, वी ऑल्सो हैव N2O3, N2O4 भी बनता है और N2O5 भी बनता है. ठीक है, तो ये अलग अलग ऑक्साइड्स बनते हैं, इनफैक्ट NO भी बनता है नाइट्रोजन ऑक्साइड, ऐसे और भी बहुत सारे ऑक्साइड्स बन जाएंगे, पर यहाँ पर लेट्स ओनली कंसिडर these few oxides. तो यहाँ पर भी तो ये फॉलो कर जाएगा, क्योंकि देखो हर केस में नाइट्रोजन का मास तो फिक्स ही है 28 28 28, और हर केस में क्या वेरी करने वाला है, ऑक्सीजन का मास वेरी करने वाला है. यहाँ देखिए ऑक्सीजन का 16, इधर 48, इधर कितना हो जाएगा 16 into 5 which is, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 16 into 4 which is 64, है ना. तो यहाँ और यहाँ हुआ कि नहीं बताइए, तो ये भी कर रहा है यार उसको फॉलो, है कि नहीं, ये भी तो कर रहा है उसको फॉलो. तो बस यहां पर भी आपका क्या फॉलो हो रहा है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस फॉलो हो पा रहा है. आहा मैम, ओ माय गॉड, एक बार ये बता दो आपकी क्वेश्चन कैसा आता है. तो बेटा क्वेश्चन ऐसा आता है, अब यहाँ पर हु इज द स्मार्टेस्ट वन इन माय क्लास टुडे, जो मेरे को बताने वाला है कि इनमें से जो आपको ये पेयर्स गिवन है, इनमें से कौन से कंपाउंड या कौन सा पेयर ऑफ कंपाउंड्स विल एक्चुअली फॉलो द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस. जल्दी से बताओ यार, ये देखो आपके सामने ये 4 ऑप्शंस गिवन है और आपको मुझे बताना है कि किसमें हमारे पास ये लग पाएगा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस. देखते हैं कौन है हमारी क्लास में जज एकदम ऐसा परफेक्ट फर्स्ट क्लास राइट आंसर देने वाला है हमें. बोलो यार जल्दी जल्दी बता दो प्लीज 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 प्लीज, कमोन कमोन कमोन, बताइए व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर. ऐसे कैसे बताएं हम, है ना, कहां हो तुम वैसे, ये रहे. ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, आहा यार नॉट बैड एकदम. मतलब एक बात बताओ, तुम लोग ऐसे इंटेलिजेंट टाइप के थे या फिर मेरा ही असर है, बताना एक बार ही सच बताओ. ऐसा इतने इंटेलिजेंट टाइप के मुझे लगता तो नहीं कि तुम लोग थे. मैं क्रेडिट ले लूँ इसका, चलेगा? आपको बुरा तो नहीं लगेगा अगर आकांक्षा मैम इस बात का क्रेडिट ले लेती है? नहीं लगेगा ना. देखो आपका आंसर एकदम परफेक्ट है, SnCl2 एंड SnCl4. तो देखिए यहाँ पर आप लोगों के पास क्या होगा, SnCl2 और SnCl4 ये जो है यार, ये वाले केस में आपके पास लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस लग जाएगा, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर 10 10 है ना, Sn stands for 10, तो 10 का तो हर एक केस या दोनों ही केस में सेम ही रहने वाला है, हमें नहीं मतलब कितना होता है, लेकिन क्लोरीन के केस में एक सिंपल रेशियो फॉलो हो जाएगा, है ना. बस इतनी सी बात है, दिस विल बी योर राइट ऑप्शन. ऐसा क्वेश्चन आता है, देखते ही बता देंगे आप, और आपने बताया भी तो देखो कोई मुश्किल नहीं आएगी आपको. अब हम नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस लेक्चर पर चलते हैं. तो हमने बहुत सारी बातें की, काफी कुछ फिनिश किया, अब यहां से शुरू होता है आपका नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस लेक्चर, जहां पर हम लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन सीखेंगे, फिर उसके बाद गे-लियोसैक्स लॉ हम सीखेंगे, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिससे मैं देखती हूँ स्टूडेंट्स को बहुत ऐसा डर लगता है, विच इज एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम देखेंगे, और फिर स्टोशियोमेट्री का कॉन्सेप्ट भी हमें समझना है. तो विदाउट एनी डिले हम फटाफट से इसको स्टार्ट कर देते हैं, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन. लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन क्या कहता है, देखिए स्टेटमेंट तो बहुत भारी भरकम लग रही है यार, है ना, काफी कुछ लिखा हुआ दिख रहा है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस के सामने, है ना, है ना, है ना. देखिए ये लॉ क्या कहता है, मैं साइड हो जाती हूँ सो दैट आप पूरा लॉ देख पाए. अकॉर्डिंग टू दिस लॉ व्हेन एन एलिमेंट कंबाइंस विद टू डिफरेंट एलिमेंट्स, यानी कि देखो यहां पर ना मैं साथ साथ एग्जाम्पल लेते जाती हूँ. पहली लाइन में क्या लिखा है,
कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ व्हेन एन एलिमेंट कंबाइंस विद टू डिफरेंट एलिमेंट्स, जब एक ही एलिमेंट, प्लीज ध्यान से देखना, एक दो सेकंड के लिए, एक मिनट के लिए आकांक्षा मैम नहीं दिखे तो चलेगा ना, मैं ऐसे साइड हो रही हूँ सो दैट आप कंप्लीट स्लाइड देख पाए, सो दैट ये पूरा स्टेटमेंट आपको दिख पाए। तो देखो यहां लिखा है कि जब एक एलिमेंट, लेट्स से वो आपका एक एलिमेंट कार्बन है, वो इस तरीके से दो डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ कंबाइन करता है, वो दो डिफरेंट एलिमेंट कौन है, एक हाइड्रोजन ले लो यार एक ऑक्सीजन। देखो पहला लाइन ऑफ द स्टेटमेंट इज क्लियर कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ व्हेन एन एलिमेंट कंबाइंस विद टू डिफरेंट एलिमेंट्स टू फॉर्म टू डिफरेंट कंपाउंड्स, तो यहां पर भाई जब दो डिफरेंट एलिमेंट के साथ कंबाइन करेगा तो दो डिफरेंट ही कंपाउंड बनेंगे। ये देखो एक CH4 बन गया और एक CO2 बन गया, है ना। Then the ratio of masses of different elements which combine with the fixed mass of the same element would either be equal or simple multiple of ratio in which the two elements combine to form a compound. बहुत भारी लैंग्वेज लग रही है क्या कि ओ माई गॉड वॉट इज दिस। तो देखो मैं आपको वापस से समझाती हूँ, आप स्टेटमेंट को भूल जाए और सिर्फ ध्यान इधर दें जो मैम बोल रही है। अगर आपके पास एक एलिमेंट है जो दो अलग अलग एलिमेंट्स के साथ कंबाइन कर रहा है, एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, तो ऑब्वियसली दो अलग अलग कंपाउंड्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, एक मीथेन बना है और एक कार्बन डाइऑक्साइड बना है। तो यहां पर ये जो आपका कार्बन है यार, इसकी तो कहानी सॉर्टेड है, इसका कोई सीन नहीं है लाइफ में। यहां पर इसका भी 12 ग्राम और ये भी आपका 12 ही है, तो कार्बन का मास तो फिक्स्ड है। लेकिन जो दूसरा एलिमेंट आपके पास बचा है विच इज हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का मास यहाँ पर कितना आएगा 4 ग्राम और यहाँ ऑक्सीजन का कितना आएगा 32 आएगा। तो आपके पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच जो रेशियो निकल कर आएगा वो कितना आएगा 4:32, जिसको अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो कितना आएगा 1:8 आएगा। और याद कीजिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर बनाते हैं H2O और वहां पर भी रेशियो कितना रहता है 1:8 का ही तो रहता है, 2:16। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं 1:8, तो यही आपका ये लॉ कहता है, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस, कि अगर दो एलिमेंट्स एक किसी एलिमेंट के साथ कंबाइन कर दो डिफरेंट कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं तो वो जो फिक्स्ड एलिमेंट है उसके अलावा वो जो दो एलिमेंट्स बचते हैं वो जब साथ में मिलकर एक कंपाउंड बनाएंगे तो उनके बीच में भी एक सिंपल रेशियो फॉलो हो रहा होगा और वो फिक्स्ड रेशियो आपका हमेशा रहेगा एक पर्टिकुलर, जब भी एक कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा उन दोनों को मिलाकर। अच्छा इसमें ना कभी कभी स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि यार मैम H2O2 के केस में क्या होगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर तो H2O2 भी बनाते हैं, है ना, और H2O2 में अगर हम रेशियो देखते हैं तो यार 2:2 कितना बनेगा 32 बनेगा, तो ये तो 1:16 आएगा। तो आप कहोगे यार मैम आपने तो ऐसा एग्जाम्पल ले लिया H2O जहां एग्जैक्ट 1:8 आ रहा है और यहां भी 1:8 आ रहा था, ये देखो 4:32, तो यहां 1:8 आया, इधर तो नहीं आया मैम 1:8। नहीं, वापस से पढ़िए लॉ क्या कहता है। लॉ कहता है कि या तो आपका क्या बोलते हैं रेशियो इक्वल आएगा, ये देखो मैं इसको स्पेशली हाईलाइट कर रही हूं यहां, या तो आपका रेशियो इक्वल आएगा या फिर सिंपल मल्टीपल आएगा। इसका मतलब कि रेशियो या तो डॉट टू डॉट एकदम सेम टू सेम आ सकता है 1:8 1:8, या फिर आपके पास जो आपका रेशियो है वो उसका एक सिंपल सिंपल मल्टीपल हो सकता है, यानी कि 1:16 यार जो लिखा है ना, ये आप अगर मैं ऐसे कर दूं आपका 1:8 का एक तरीके से मल्टीपल ही तो हो गया, है ना, तो दिस इज एक्चुअली द मल्टीपल ऑफ 1:16। तो अगर मल्टीपल भी आ रहा है तो चलेगा, ठीक है, ये सिंपल सी बात थी एंड दिस वाज योर लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट और बहुत इजी, दिस इज द मोस्ट आसान लॉ जितने हमने पढ़े लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बाद। गेलियोसैक्स लॉ क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि यार देखो आपके पास, अच्छा PV इक्वल टू NRT सबको ही पता है ना, PV इक्वल टू NRT होता है। तो वो कहते हैं कि यार देखिए अगर आप प्रेशर और टेम्परेचर को फिक्स कर दें, क्या कहते हैं, अगर आप प्रेशर और टेम्परेचर को फिक्स कर दें तो आपके पास वॉल्यूम विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। कुछ समझ पाया, यानी कि अगर हमारे पास आइसोथर्मल एंड आइसोबारिक कंडीशन हो जाए, आइसोथर्मल मतलब जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है, आइसोबारिक मतलब जब प्रेशर कांस्टेंट हो जाता है, जब ऐसी कंडीशन आ जाएगी तो वॉल्यूम विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि और तो कुछ बचा नहीं, बाय टेम्परेचर कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट और आर तो अपने होते ही कांस्टेंट है, क्या है आर, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, है ना, तो यहां पर वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो यार यहां से ना एक बहुत इंटरेस्टिंग बात सामने निकल कर आती है कि लेट्स से आपके पास नाइट्रोजन प्लस 3 हाइड्रोजन है ना, एंड ये आपको दे रहा है 2 अमोनिया, कूल,
और ये सब के सब गैसेस हैं, ये भी आपको बताया गया, दिस इज अ गैस, ये भी एक गैस है और अमोनिया का भी गैस ही बन रहा है। तो यहां पर आप मुझे बताएंगे, अगर मैं आपको कहूं कि यार यहां पर ना 10 ml ऑफ नाइट्रोजन मैंने लिया और मेरे को 20 ml मिला किसका, अमोनिया का, तो आप बताइए कि यहां पर ये 10 ml नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करने के लिए मेरे को कितना ml हाइड्रोजन गैस चाहिए होगा, जल्दी से बता दो। क्वेश्चन समझ आया? N2 plus 3H2 is giving you 2 ammonia. और मैंने कहा कि मैंने यार 10 ml of nitrogen gas लिया है और मेरे पास 20 ml of ammonia gas आया, तो बताइए मैंने 10 ml के साथ कितना hydrogen gas लिया होगा such that मेरे पास 20 ml ammonia बच जाए। सोचिए सोचिए और सोचकर बताइए सही सही आंसर, फटाफट दीजिए, बोलो यार, बोलो बोलो, क्या लगता है आपको? ओए होए, ओए होए 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 होए, 10 10 10, पिटाई कर दूं तुम्हारी। हाँ दोबारा सोचना एक बारी, 10 कैसे कह सकते हो तुम लोग, ओ माय गॉड 10 कैसे कह सकते हो यार, 30, वेरी गुड। सो अभिषेक हैज एक्चुअली गिवन मी द राइट आंसर, 3030। यार तुम लोग कैसे बिल्कुल ही बुद्धू टाइप हो क्या? हाँ अभी थोड़ी देर पहले तारीफ की, मैंने क्रेडिट खुद ही लिया वो तारीफ का भी, कि तुम लोग ऐसा अच्छा आंसर दे रहे हो, पर ये गलत आंसर का क्रेडिट मैं नहीं लूंगी, तुम लोग बिल्कुल ही बहुत बहुत बिल्कुल बुद्धू है ना। अरे इतना अकल तो लगाओ कि यहाँ पर आपके पास ये 10 ml है, ये कितना होगा, 30 ml लिया होगा आपने, कितना लिया होगा, 3030 ml। ओ माई गॉड, इतना भी नहीं समझ आया क्या तुम लोग को, कैसे हो यार, बिल्कुल ही बुद्धू है ना। यहां पर आपको देखना था कि देखो यहां नाइट्रोजन का 1 mole है, हाइड्रोजन के कितने, 3 moles है, और फिर यहां पर अमोनिया के कितने बनते हैं, 2 moles बनते हैं। ये इक्वेशन आपको क्या कह रहा है, ये इक्वेशन कह रहा है कि आज जब हम 1 mole ऑफ नाइट्रोजन लेते हैं, है ना, ये क्या है यहाँ पर स्टोशियोमेट्री, मतलब कितना मोल्स लिया आपने, ये कहता है कि यार 1 mole ऑफ नाइट्रोजन कंबाइंस विद 3 mole ऑफ हाइड्रोजन टू गिव यू 2 moles ऑफ अमोनिया। और आपको पता है कि जो वॉल्यूम का रिलेशन, जो नंबर ऑफ मोल्स का रिलेशन होगा, वही वॉल्यूम के बीच में भी रिलेशन होने वाला है, सिंस वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। यही तो लॉ पढ़ रहे हैं आप, गे-लियोसैक्स लॉ। इसका मतलब अगर नंबर ऑफ मोल्स के बीच में 1:3:2 का रेशियो है, यहां ये 2 है ना, तो अगर नंबर ऑफ मोल्स के बीच में 1:3:2 का रेशियो है, तो वॉल्यूम के बीच में भी 1:3:2 का ही रेशियो होगा। तो देखो 10:30:20 इज व्हाट, 1:3:2। तो आपके पास जो रेशियो वॉल्यूम का फॉलो होगा, वही नंबर ऑफ मोल्स का होगा, या फिर वाइस वर्सा, विच मींस जो आपके पास रेशियो नंबर ऑफ मोल्स का फॉलो होगा, वही सेम रेशियो आपका वॉल्यूम में फॉलो होगा। इतनी मुश्किल बात, फिर भी तुमने आंसर दिया गलत, है ना, पढ़ाई बनती है इस बात पे। थोड़ा थोड़ा ऐसा ऐसा एहसास हुआ कि यार ये तो मतलब बहुत ही खराब आंसर दिया हमने, ऐसा फील हुआ आपको अंदर से, ऐसा फीलिंग आई कि अरे यार मैंने नहीं दिया था वो 10 आंसर, वो तो मैम गलती से हो गया था, गलती से, है ना, देख लो। एनीवेज आगे बढ़ते हैं, अच्छा चलो अब देखते हैं तुम लोग आगे क्या गुल खिलाते हो। लेट्स से आपके पास N2 गैस है ना, लेट्स से यू हैव N2 गैस और भाई ये आपका रिएक्ट कर रहा है विद O2 एंड दिस इज गिविंग यू 2NO और ये आपका है लिक्विड। अब अगर मैं आपको कह रही हूं कि यार मैंने इसका 100 ml लिया है, ना 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 ना, नो जी नो नो नो, इसका 50 ml लिया है और इसको भी मैंने 50 ml लिया है ना, तो फिर आप मुझे ये बताइए कि NO कितना बनेगा, कितना NO आपके पास यहां पर बन रहा होगा, सोचकर बताइए। हाँ हाँ अब तो तुम स्टाइल मार ही लोगे, अब तो यस 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 कहोगे, आंसर तो तुमने गलत ही दिया। किस किसने दिया 10, अपनी शक्ल दिखाना जरा प्लीज, ऐसे थोड़ा सा दिखाना मेरे को, 100, आहा शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत, और थोड़ा लिखिए और थोड़ा लिखिए 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 आपकी तारीफ में, इससे पहले कि मैं एक खूबसूरत लाइन पेश करूं, उससे पहले जरा पूरी तरह लिखिए कि मैम आंसर ये होगा 100 100, आहा मजा ही आ गया भाई, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, कांग्रेचुलेशंस, यू आर ऑल रॉन्ग, सबने एकदम गलत बताया है, सबका आंसर है गलत, आहा तो 100 नहीं बनेगा आंसर, पता है क्या होगा आंसर होगा,
कांट से आप नहीं बता सकते, ऐसे कैसे बता दोगे, तो नहीं बता पाओगे, इसलिए क्योंकि अरे अरे ये क्वेश्चन किसके ऊपर वैलिड होती है, आइडियल गैस के ऊपर, यानी कि ये हमने जो रिलेशन लिया है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, ये किसके ऊपर वैलिड है, गैसेस के ऊपर वैलिड है ना, क्योंकि आपने कहां से बनाया रिलेशन, PV is equal to nRT से, जो गैस की इक्वेशन होती है कि वॉल्यूम का जो रेशियो होगा वही नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो होगा, ये तो गैस का इक्वेशन होता है भाई। तो यहां पर आप लोग जब इसको देख रहे हैं, ये जो आपका एग्जाम्पल है इसमें तो ये तो गैस है, चलो ये भी गैस है, पर यहां पर ये जो फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है वो तो लिक्विड है, तो लिक्विड तो आपका ये इस इक्वेशन को जस्टिफाई नहीं करेगा, लिक्विड है ना ये, तो इसके ऊपर तो नहीं लगा पाएंगे आप ये रिलेशनशिप, तो फिर कैसे कहेंगे आप कि मैम 100 बनेगा, बेटा जी हम नहीं बता सकते कितना बनेगा, ओके, सो द करेक्ट आंसर हियर विल बी नहीं बता सकते हैं, वी कांट से, ठीक है, आया मजा फिर से, ये देखो 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 देखो, अब मत लिखो 100 100, अब बस अब चुप हो जाओ, ठीक है। हाँ गायत्री ने देखो काफी हद तक ठीक बात कही है कि क्योंकि ये लिक्विड है तो लिक्विड के ऊपर वैलिड नहीं हो पाएगा, है ना, चलिए वेरी गुड। फिर इसके बाद हमारे पास दूसरी बात आती है विच इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला। आज आपको थकना मना है यार, है ना, देख लो सैटरडे मैं आपकी क्लास ले रही हूँ और मैं भी अभी ऑलमोस्ट 1 आवर हमें होने जा रहा है, हालांकि अभी 1 घंटा शायद नहीं हुआ है ना, हाँ सो ऑलमोस्ट 1 आवर, लेकिन यार तुमने कंजूसी बहुत किया है ना, ऐसे तो फुल कंजूस टाइप के हो तुम लोग आज, मेरे को ऐसा लग रहा है, इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, बट आई कैन सी कि स्टिल आपने कंजूसी किया है सेशन को लाइक करने में, है ना, अटेंडेंस लगाने में फुल कंजूसी चल रहा है। चलो यार मैं भी कर दूंगी किसी दिन थोड़ा कंजूसी, है ना, कैसा लगेगा आपको। मॉलिक्यूलर एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला की बात करते हैं, और मॉलिक्यूलर एम्पिरिकल फॉर्मूला एक बार आप सीख जाएं, फिर बिल्कुल आसान बात बचती है चैप्टर में, क्योंकि फिर इसके बाद सिर्फ लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट बचेगा जो मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुकी हूँ, अभी अभी मेधावी शॉर्ट्स मैंने लिया था और वहां मैंने आपको लिमिटिंग रिएजेंट सिखाया था, है ना, ध्यान आ रहा है, लिमिटिंग रिएजेंट मैंने वहां पर पढ़ाया है, तो बस वही बचेगा जो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। तो मॉलिक्यूलर एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला, ये इसको प्लीज बहुत ध्यान से सुनिएगा और बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि यही बच्चे ज्यादातर फंसते हैं मैं देखती हूँ। तो देखो यार, आप मॉलिक्यूलर एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला की बात करते हो तो क्या होता है, अच्छा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सबको पता है, ये तो कोई नई बात मेरे को लग नहीं रही है, जैसे लेट्स से यू हैव ग्लूकोज, है ना, ग्लूकोज क्या होता है, C6H12O6 होता है, सबको पता है, दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज, ये क्या है, दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज, और ये जो आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ये आपको क्या बता रहा है, ये आपको बता रहा है कि यार आपके पास 6 कार्बन है ना, कि जो आपका ग्लूकोज मॉलिक्यूल है उसके अंदर यू हैव 6 कार्बन एटम, देन यू हैव 12 हाइड्रोजन एटम्स, कि यार 6 तो कार्बन है, 6 कार्बन के बाद 12 हाइड्रोजन है, और 6 क्या है, ऑक्सीजन एटम है, यानी कि किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें क्या बताता है कि उस पर्टिकुलर कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उनका क्या एग्जैक्ट रेशियो है, क्या एग्जैक्ट रेशियो, किस एग्जैक्ट नंबर में वो प्रेजेंट है, मतलब जैसे आपको देखकर पता चल रहा है कि 6 कार्बन है इधर, 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन एटम्स हैं, लेकिन वहीं अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर दूं, है ना, ये जो आपने देखा 6:12:6 का जो रेशियो है, अगर इसको सिंप्लीफाई कर दूं मैं, जितना सिंपलेस्ट रेशियो आ सकता है, तो सिंपलेस्ट रेशियो क्या बनेगा, 1:2:1 बनेगा कि नहीं, है ना यार, 1:2:1 बनेगा, इसका मतलब फॉर्मूला ऐसा कुछ बनेगा CH2O। बोलो यार ये जल्दी से मेरे को बताओ, बहुत सारे थम्स अप सीधा चैट सेक्शन में, कि यार ये बात मैम समझ आई है, जल्दी से बताओ CH2O बनेगा, क्योंकि यहां पर C6H12O6 इसका जो 6:12:6 का रेशियो है कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन एटम के बीच, उसको मैंने फर्दर सिंप्लीफाई कर लिखा, और लिखा है 1:2:1, है ना, तो यहां पर फॉर्मूला बनता है CH2O 1:2:1, बस यही क्या है, यही ग्लूकोज का एम्पिरिकल फॉर्मूला, या इसी को कहते हैं क्या, एम्पिरिकल फॉर्मूला, यानी कि एम्पिरिकल फॉर्मूला आपको ये बताता है कि यार किसी पर्टिकुलर कंपाउंड में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उनका सिंपलेस्ट रेशियो क्या है, किस सिंपलेस्ट रेशियो में आपके एलिमेंट्स एक पर्टिकुलर कंपाउंड में प्रेजेंट है, दिस इज वॉट आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला आपको बताता है।
ठीक है, तो देखिए यहां पर लिखा भी है, इनफैक्ट बहुत क्लियर आपको अभी हो जाएगा जब आप इसको पढ़ेंगे डेफिनेशंस को। देखो क्या कहता है कि यार इंपीरिकल फॉर्मूला, दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्मूला व्हिच गिव्स द सिंपल रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, व्हिच गिव्स द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, यानी कि एक मॉलिक्यूल में के सिंपलेस्ट रेशियो में आपके एटम्स प्रेजेंट हैं वो आपको पता चलता है। और अगर आप बात करते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको क्या बताता है, इट गिव्स यू द सिंपलेस्ट फॉर्मूला व्हिच गिव्स द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, जो आपको बता देता है कि एग्जैक्टली यानी कि एक्चुअली कितने नंबर ऑफ एटम्स आपके पास प्रेजेंट है एक मॉलिक्यूल में, है ना। ये एग्जैक्ट बता देगा कि देखो 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है और 6 ऑक्सीजन एटम्स हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है कि यार देखो इंपीरिकल फॉर्मूला दो कंपाउंड्स का हो सकता है कि सेम हो, है ना। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास दो कंपाउंड्स हो और उनका इंपीरिकल फॉर्मूला सेम आ जाए। एक बारी जरा सोचकर देखिए, ऐसा कौन सा एग्जाम्पल आपके दिमाग में आ रहा है जिसमें आपको लगता है कि इंपीरिकल फॉर्मूला तो सेम ही बन जाएगा, यार बताओ एक बारी, बोलो बोलो। तो फॉर एग्जाम्पल आपके पास यू हैव CH3, जहां पर आपके पास ये एसीटोन है, कीटोन फंक्शनल ग्रुप है। फिर आप मानिए कि आपके पास है CH3, CH2, CHO, ये एल्डिहाइड है। फिर आप मानिए आपके पास है CH3, CH2OH, विच इज एल्कोहल, है ना। ठीक है, अभी यहां पर ये जो दो आपके पास कंपाउंड है, ये नंबर वन और ये नंबर टू, केवल इन दोनों को देखना और मेरे को बताओ कि यहां पर इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या लिखेंगे आप। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विल बी C3H6O, यही होगा, है ना। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विल बी C3H6O। आहा, देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम टू सेम आया है कि नहीं। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दो अलग अलग कंपाउंड का सेम भी हो सकता है। देखो इसका भी C3H6O है और इसका भी C3H6O है, हाउएवर एक कीटोन है और एक एल्डिहाइड है ना, लेकिन स्टिल दोनों का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सेम टू सेम आया है आपके पास। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दो कंपाउंड्स का सेम भी हो सकता है। अब इंपीरिकल चेक करते हैं। अब यार इसमें तो इंपीरिकल भी सेम टू सेम आएगा। देखो ना यहां पर कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 3:6:1 के रेशियो में प्रेजेंट है, यहां भी 3:6:1 के रेशियो में प्रेजेंट है। तो जो आपका ये है इंपीरिकल फॉर्मूला, ये भी सेम बन जाता है कि नहीं, है ना। इंपीरिकल फॉर्मूला भी आपका क्या बन जाएगा, सेम बन जाएगा, बताइए। ठीक है, और वहीं आपके पास मान लीजिए यार एक कंपाउंड है, लेट्स से यू हैव C6H12O6 विच इज ग्लूकोज। फिर आपके पास है C3H6O3। ठीक है, ये दो आपके पास अलग अलग कंपाउंड्स हैं, इन दोनों का इंपीरिकल फॉर्मूला बता दो मुझे फटाफट। दोनों केस में इंपीरिकल फॉर्मूला क्या बनने वाला है, कमऑन क्विकली बताइए। बताइए इनका 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 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, बोलो यार। जल्दी जल्दी बताइए व्हाट विल बी द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ना 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 ना, मॉलिक्यूलर नहीं, इंपीरिकल फॉर्मूला, है ना, क्योंकि मॉलिक्यूलर तो हमने ऑलरेडी सीख लिया, ये तो दिख ही रहा है, मॉलिक्यूलर ही तो लिखा है। व्हाट विल बी द इंपीरिकल फॉर्मूला, बोलो। CH2O, वही तो, बिल्कुल ठीक यार, तुम लोग ऐसे प्यारे बच्चे हो, वाह वाह स्मार्ट। देखो यहाँ पर क्या होगा, 6:12:6 का रेशियो फॉलो हो रहा है, मतलब कि भाई 1:2:1, है ना। और यहाँ पर क्या होगा, 3:6:3 विच इज ऑल्सो 1:2:1, सो यू हैव CH2O। चलो नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, ये आती है मेन बात। ये सब ठीक है, अभी तक आपने ज्यादा कुछ सीखा नहीं है, है ना। क्या सीखा है आपने, सिर्फ ये कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है और इंपीरिकल फॉर्मूला क्या होता है। पर मॉलिक्यूलर या इंपीरिकल फॉर्मूला फाइंड कैसे कर सकते हैं आप, हाउ यू विल फाइंड आउट द इंपीरिकल फॉर्मूला अगर आपको क्वेश्चन में पूछ लिया जाए, वो हमें यहाँ पर सीखना है। तो उसके लिए मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ कि यार देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इंपीरिकल फॉर्मूला के बीच रिलेशनशिप क्या होता है। हम क्या कहते हैं कि जो आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल टू इंपीरिकल फॉर्मूला होल एन,
इसका मतलब यहां पर MF बोले तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, EF बोले तो इंपीरिकल फॉर्मूला, यानी कि अगर आप इंपीरिकल फॉर्मूला में N से मल्टीप्लाई कर दें है ना, तो आपके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा। सिंपल बात है, क्या करना है आपने, इंपीरिकल फॉर्मूला में N से मल्टीप्लाई कर देना है तो आपके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकल कर आ जाएगा। अब यार ये N क्या होता है, तो ये देखिए बिल्कुल नेक्स्ट लिखा है आपके सामने, N इज द मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय द इंपीरिकल फॉर्मूला मास। इस बात का मतलब क्या है कि यार देखो, फॉर एग्जाम्पल आपके पास यू हैव लेट्स से ग्लूकोज है ना, आपको दिया है ग्लूकोज, आपको बोला है कि यार ग्लूकोज का ना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताओ क्या होता है, ठीक है। अब वो अलग बात है कि तुम लोग को सबको पता ही है ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बट लेट्स से यू हैव बीन गिवन अ कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप नहीं जानते, तो यहां पर आपके पास मान लो ग्लूकोज का तुम्हें नहीं पता, तो आपको पता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विल बी इक्वल टू इंपीरिकल फॉर्मूला होल एन है ना, एंड लेट्स से उन्होंने आपको कहा कि यार देखो इंपीरिकल फॉर्मूला CH2O है, कूल, तो यहां से आप क्या करेंगे N की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। और देखो क्वेश्चन में ना आपको पहले से गिवन होगा, क्वेश्चन में आपको पहले से देकर रखेंगे कि जो आपका ये कंपाउंड है उसका मोलर मास कितना है। तो यहाँ पर जैसे कि आपको ग्लूकोज गिवन है ना, तो ग्लूकोज का मोलर मास कितना होता है जल्दी से बताओ, व्हाट इज द मोलर मास ऑफ ग्लूकोज, कितना होगा C6H12O6 है ना, 180, जल्दी से बताओ 180 होता है क्या, बताइए कैलकुलेट कर लो यार जल्दी जल्दी फटाफट। हाँ जी 180, अब आकांक्षा मैम ने कहा था 180 होगा ना, तो यहाँ पर आपके पास उन्होंने ऐसा क्वेश्चन में आपको दिया होगा कि देखो मोलर मास हमारे पास इस कंपाउंड का कितना है, 80 है, ठीक है, अब आप सॉरी 180 है, अब आप बता दो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होने वाला है। तो आपको पता है मॉलिक्यूलर मास आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है 180, अब डिवाइड करना है किससे, इंपीरिकल फॉर्मूला मास से। व्हाट इज इंपीरिकल फॉर्मूला मास, यहां पर आप क्या करेंगे, इंपीरिकल फॉर्मूला मास यानी जो आपका इंपीरिकल फॉर्मूला गिवन है उसी से मास बना लो यार। कहने का मतलब कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 2 × 1 और ऑक्सीजन का 16, कितना हो जाएगा 12 + 2 + 16 12 + 2 + 16 12 + 30 3030 है ना, कितना आएगा ये 6, इसका मतलब n का वैल्यू कितना आ रहा है 6, तो यहां पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू इंपीरिकल फॉर्मूला होल n होता है, n का वैल्यू आपके पास 6 आ चुका है, सो दिस विल बी CH2O होल 6 एंड दिस इज C6H12O6, आहा यू हैव योर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। आई बात समझ कि अगर आपको इंपीरिकल फॉर्मूला मिल जाए तो अगर हम n की वैल्यू फाइंड आउट कर लें तो उससे हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल जाएगा। बस इतनी सी बात है कि n की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको एक तो मोलर मास चाहिए कंपाउंड का और फिर इंपीरिकल फॉर्मूला मास चाहिए। मोलर मास क्वेश्चन में दिया होता है, इंपीरिकल फॉर्मूला मास आप इंपीरिकल फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हो, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। लेकिन हर ऐसा इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है, इतना भी ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है। क्वेश्चन कैसे आता है देखिएगा कि आपके पास ऐसा क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन कैसा आता है उसको करने से पहले एक और इंपॉर्टेंट बात यहां पर आपको सीखनी है क्योंकि यह आपकी ट्रिक की तरह काम करने वाली है, ठीक है। तो आगे जब आप अभी इंपीरिकल फॉर्मूला या फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे तो ये जो आपके सामने लिखा है दिस विल हेल्प यू अलॉट। क्या लिखा है देखिए कि रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ एटम, आपके पास क्या जो रेशियो होता है ऑफ मोल्स ऑफ एटम, दिस इज इक्वल टू रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। बात समझ पा रहे हैं कि यानी कि आपके पास एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के अंदर जितना भी मोल्स निकल कर आएंगे है ना, अलग अलग एटम के जितने मोल्स होंगे वही सेम रेशियो में आपके ना आपके क्या एटम्स भी प्रेजेंट होंगे। बात बड़ी मुश्किल लग रही है मैम ऐसे तो सुनने में है ना, किस किस को लग रहा है ओहो ये क्या बोल रहे हो आप, किस किस को लग रहा है, सच्ची सच्ची बताओ 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 बताओ। तो देखो इसका मतलब ये है कि भाई एग्जाम्पल देकर समझाते हैं आपको, बहुत आसान लगेगी फिर ये बात कि मान लीजिए आपके पास 1 मोल क्या है ग्लूकोज है, लेट्स से यू हैव 1 मोल C6H12O6, इसका मतलब क्या है कि यहां पर आपके पास 6 मोल कार्बन के हैं, फिर आपके पास 12 मोल किसके हैं हाइड्रोजन के हैं, फिर आपके पास 6 मोल्स किसके हैं ऑक्सीजन के हैं। तो यार जितना मोल्स है ना, जो मोल्स का रिलेशन है वही उतना ही एटम्स हो जाएंगे। तो आप क्या कह सकते हो कि यार आपके पास 6 कार्बन एटम्स है, क्या कह सकते हो आप कि यू हैव 6 कार्बन एटम्स, यू हैव 12 हाइड्रोजन एटम्स एंड यू हैव 6 ऑक्सीजन एटम, यानी कि द नंबर ऑफ मोल्स हियर कॉरेस्पॉन्ड्स टू द नंबर ऑफ एटम्स, जितने आपके पास मोल्स हैं उतने ही आपके पास
उस पर्टिकुलर एलिमेंट के या एटम के नंबर हो जाएंगे। जितना मोल्स कार्बन के 6 मोल तो 6 कार्बन आटम, हाइड्रोजन के 12 मोल्स तो 12 हाइड्रोजन आटम, ऐसा ही ऑक्सीजन के साथ डिंग डिंग डिंग। ओए होए, मजा आया कि नहीं जल्दी बताओ, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा आपको कितना मजा आया है ना। चलिए क्वेश्चन करेंगे तो बड़ा आसान है, एक बार ही प्रैक्टिस करना बहुत आसानी से आप सीख जाएंगे। देखो एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स 60% कार्बन 8% हाइड्रोजन, डिटरमाइन इट्स इंपेरिकल फॉर्मूला। बेटा ऐसा आता है क्वेश्चन, ऐसे नहीं आएगा इतना सिंपल सिंपल, पर ये भी बहुत सिंपल है ठीक है, लेकिन आई नो लैंग्वेज देखकर आपका सर थोड़ा ऐसा सा घूम गया होगा है ना, किस किस के होश उड़ गए, ओ माय गॉड ऐसा भी क्वेश्चन आता है मैम। चलो एक बार कोशिश करो इसको करने का, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ कैसे करेंगे आप ये क्वेश्चन, थोड़ा सोचने की कोशिश करिए, बड़ा आसान क्वेश्चन है, मुश्किल बिल्कुल नहीं, जब मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताऊंगी आपको बेहद आसान लगने वाला है, सोच कर देखिए फटाफट जल्दी से। और इसी के साथ फटाफट बहुत सारा जोश मुझे इधर दिखना चाहिए चैट सेक्शन में कि यस मैम अभी भी फुल एनर्जी है, तो ये वाला इमोजी भी भेज सकते हो आप, तो थोड़ा मुझे समझ आएगा कि हाँ अभी तुम ऐसा तुम्हारा एनर्जी ऐसा वो नहीं हुआ, डाउनफॉल नहीं हुआ है ना। 1:2 गड़बड़ बेटा, इसीलिए तो समझा रहे हैं, ये समझ नहीं आता कौन है, इसीलिए तो समझा रहे हैं आपको, आएगा समझ देखिए। देखो परसेंटेज कंपोजिशन दिया है आपको, सिंपल सी बात है यार। हाँ वेरी गुड, फॉर्मूला शीट चैप्टर फिनिश तो होने दो, बिना चैप्टर फिनिश हुए फॉर्मूला शीट पढ़ा दो। हाँ चैप्टर फिनिश तो होने दें, आप फिनिश हो जाएगा तो फॉर्मूला शीट भी बना देंगे ठीक है। ठीक है तो देखिए सुनिए प्लीज ध्यान से, यहां पर आपके पास क्या सीन है भाई, आपको 60% कार्बन दिया है ना, 8% हाइड्रोजन दिया है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, लेकिन यार 60+8 तो 68 होता है, बाकी का 32% किधर गया। चलो ठीक है कि 60% कार्बन दे दिया 8% हाइड्रोजन दे दिया, व्हाट अबाउट द रिमेनिंग 32%, बाकी कंपाउंड में और क्या है, क्या हो सकता है, ऑक्सीजन। तो यहां पर आपको थोड़ी सा अकल लगानी है खुद का, और क्योंकि आपके पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, अब क्योंकि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो इसमें कार्बन और हाइड्रोजन तो उन्होंने खुद दिया है, कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा ऑर्गेनिक कंपाउंड में मैक्सिमम पॉसिबिलिटी क्या बनती है कि ऑक्सीजन आटम हो। वैसे भी जब तुम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हो यार, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, और फिर तीसरा एलिमेंट तो जो ज्यादातर देखने के लिए मिलता है वो कौन होता है, ऑक्सीजन। जितने भी फंक्शनल ग्रुप है, कीटोन, एल्डिहाइड, एल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, ईथर, सब में कौन होता है, ऑक्सीजन। थोड़े बहुत ग्रुप में नाइट्रोजन भी आता है, बट मैक्सिमम कौन देखने के लिए मिलता है, ऑक्सीजन। इसका मतलब बाकी बचा हुआ परसेंटेज किसका है, ऑक्सीजन का है। तो यहां पर आपको क्या दिया है, साफ साफ नजर आ रहा है कि आपको दिया है 60% कार्बन है, 8% हाइड्रोजन है, और आपके पास 32% क्या है, ऑक्सीजन है। अब इसका मतलब पता है क्या है, इसका मतलब सिंपल सी बात है, परसेंटेज दिया है आपको। अब मैंने आपको अभी कुछ दिन पहले कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पढ़ाया था, और कॉन्सेंट्रेशन टर्म के अकॉर्डिंग हमने सीखा था कि इसका मतलब है कि यहां पर अगर पूरे कंपाउंड का मास, देखो ये जो परसेंट लिखा है पता है क्या बोलता है, ये बोलता है अगर पूरे कंपाउंड का मास 100 ग्राम है ना यार, तो उसमें 60 ग्राम कार्बन प्रेजेंट है, 8 ग्राम हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और 32 ग्राम कौन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। That means, अगर मेरा पूरा ये जो कंपाउंड है, जो मेरे को पता भी नहीं कि कौन है, अगर इसका मैं मास 100 ग्राम मान ले रही हूं, तो उसमें 60 ग्राम कार्बन है, 8 ग्राम हाइड्रोजन है, और 32 ग्राम ऑक्सीजन है। ओए होए, आया कुछ कुछ आया आया है ना। अब यार जब तुम्हारे पास मास हो जाए तो आप नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर लोगे कि नहीं, बड़ी आसानी से। नंबर ऑफ मोल्स कितना आएगा बताइए, नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पर गिवन मास 60 मैम, मोलर मास कार्बन का 12 कितना आया 5, यहाँ पर कितना आएगा नंबर ऑफ मोल्स, गिवन मास 8, मोलर मास 1 कितना आएगा 8, अच्छा इधर कितना है गिवन मास 32, मोलर मास 16 कितना आएगा नंबर ऑफ मोल्स 2। दैट देखो वापस से बता रही हूँ, यहाँ पर क्वेश्चन को मैं रीड आउट कर रही हूँ सिर्फ आपके लिए, और वापस बता रही हूँ, यहाँ आपको गिवन था कि भाई हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें 60% कार्बन है, 8% हाइड्रोजन है ना, तो आपने लिखा बिल्कुल जो गिवन था कि 60% कार्बन है, 8% हाइड्रोजन है, यार लेकिन मैम 32% बाकी का कहां गया, तो
वो 32% कौन है? ऑक्सीजन है। उसके बाद इसका मतलब होता है कि आपके पास 60 ग्राम कार्बन है, 8 ग्राम कार्बन है, 32 ग्राम ऑक्सीजन है। अब जब आपको गिवन मास पता है तो आप नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हो। नंबर ऑफ मोल्स विल बी गिवन मास कितना है 60, कार्बन का मोलर मास होता है 12, यहां कितना हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 1, यहां कितना होगा 32 डिवाइडेड बाय 16। दिस इज व्हाट यू हैव, है ना यार। अब यहां से 5 आ गया, यहां से 8, और यहां से आपके पास कितना आ चुका है 2 आ चुका है। अब देखो जी, आपके पास नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो मैं आपको बताती हूं, है ना। नंबर ऑफ मोल्स की अगर आप बात करते हैं कौन से केस में, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के केस में, तो हमें नजर आ रहा है कि यहां पर इनका रेशियो कितना है, बोलो बोलो कितना रेशियो है मैम, 5:8:2, 5:8:2 का रेशियो है। इसका मतलब आपके पास जो कंपाउंड बनेगा वहां भी इनका रेशियो कितना रह सकता है, 5:8:2 का रह सकता है। बट यार ऐसे जो आपके पास ये कंपाउंड बनेगा, इसका मतलब यहां पर उसके अंदर भी कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का यही रेशियो है, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला विल बी C5H8O2, दैट्स इट, दिस बिकम्स योर एम्पिरिकल फॉर्मूला। क्योंकि आपने अभी पीछे सीखा है जो नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो होगा, देखो ये वाली जो आपकी स्लाइड थी यहां मैंने आपको यही बताया था, जितना मोल्स का रेशियो होता है उतना ही नंबर ऑफ एटम्स हो जाते हैं। तो यहां पर जितना आपके पास मोल्स का रेशियो आया है उतने ही नंबर ऑफ एटम्स हो जाएंगे, जहां से आपके पास आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला आ जाएगा। यही आपको क्वेश्चन में पूछा भी गया था, यू वर सपोज टू फाइंड आउट दी एम्पिरिकल फॉर्मूला। कह दो कि मैम आया समझ, कह दो प्लीज, कह दो कि मैम आ गया, बताना एक बारी आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, नहीं आया, क्या सीन है आपके। इसी के साथ जितने स्टूडेंट्स हमारे साथ अभी ये सेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मेक श्योर आपने अपना अपना अटेंडेंस लगा दिया है, है ना। कैसे लगाओगे अटेंडेंस सेशन को लाइक करने के साथ, है ना, सबने कूल। आगे बढ़े, आगे 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 आगे, लेट्स मूव आगे। चलिए एक और क्वेश्चन करेंगे ऑन द सेम कॉन्सेप्ट, ऑन द सेम कॉन्सेप्ट। सुनो यार, अगर आपको फिर भी मुश्किल रह जाए, थोड़ी मुश्किल थोड़ी परेशानी आए, तो ये आप दोबारा देख सकते हो, है ना। फिर भी आए तो आप कल आकांक्षा मैम से मिल सकते हो, कल नहीं परसों इन द स्पेशल क्लास, अलग से पूछना, ऐसा पिक्चर क्लिक कर लेकर आना है स्लाइड का स्क्रीनशॉट और मुझे भेज देना डाउट सेक्शन में, और पूछना यार मैम ये तो मेरे को नहीं आया, या आप इधर उधर मुझे फॉलो कर लो, वहां पर भी पूछ सकते हो, ऐसा नॉर्मल आप मुझे डीएम कर सकते हो, अगर मैं आप तक पहुंच, अगर आपका मैसेज मुझे दिखा आई डेफिनेटली आंसर यू, ठीक है। बारी देखना, नहीं आए तो हर जगह आकांक्षा मैम आपको मिलेंगी, बस हर जगह जुड़ जाइए मेरे साथ और पूछ लीजिएगा, है ना। चलिए एन का वैल्यू क्या होगा, ओए हेलो ये कौन है नेहल शर्मा, एन तो कुछ होता ही नहीं है ना, है ना, एन तो कुछ होता ही नहीं है, वो पूछ रही है मैम एन का वैल्यू क्या होगा। बेटा एन कहां से आया, एन आपके सपनों में, एन तो हमने तो कुछ लिया नहीं, एन ये अलग ही सीन चल रहा है इनके, एन कहां से आ गया बताना, एन तो हुआ ही नहीं कभी, जो है ही नहीं वो कितना कैसे होगा, एन तो है ही नहीं इधर तुम्हारे दिमाग में, वो तो नहीं बैठ गया कि मैंने कहा था कि देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक कार्बन होता है, एक हाइड्रोजन होता है, एक ऑक्सीजन होता है, फिर नाइट्रोजन आता है। अरे भाई बिल्कुल गधे हो तुम लोग, यहाँ पर नाइट्रोजन की तो बात ही नहीं होगी, ठीक है। कभी भी हम लोग केमिस्ट्री में नाइट्रोजन को कंसिडर नहीं करते, ऑक्सीजन ही डोमिनेंट क्वांटिटी में प्रेजेंट रहता है, बस ऑक्सीजन पर कहानी खत्म, नाइट्रोजन अकॉर्डिंग टू हमारे अकॉर्डिंग नाइट्रोजन इसमें नहीं है, दैट्स इट। यानी कि अगर कार्बन और हाइड्रोजन गिवन है और फिर भी पूरा मास नहीं बन रहा, परसेंटेज 100 के इक्वल नहीं आ रही, तो बचा हुआ हमेशा ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन के अलावा कुछ नहीं होगा, ठीक है। ये देखो नाइट्रोजन चल रहा है इनके दिमाग में, ये समझते हो तुम लोग, है ना, ऐसा दो चार मतलब पिटाई होनी चाहिए तुम लोगों की। हाँ नहीं तो यार इतना अच्छे से समझाया, इतना डिटेल में, और तो और इतने सारे फंक्शनल ग्रुप भी काउंट करवा दिए, है ना, और फिर भी वो तो अच्छा हो मैंने देख लिया, नहीं तो इनके दिमाग में ये खूबसूरत सी परेशानी रह जाती, विच इज वेरी वेरी डेंजरस, है ना। इतने मासूम हो यार तुम लोग, कभी कभी तो तुम्हारी मासूमियत पर मुझे ऐसा लगता है कि वाह बहुत ही प्यारे और मासूम बच्चे हैं, इतनी खतरनाक इंटरप्रिटेशन कर लेते हैं कभी कभी जहां तक मैं सोच भी नहीं पाती हूँ, है ना। पर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप सोचिए समझिए, बस इतनी सी बात है कि उसका इजहार करिए सो दैट मैं उसको क्लैरिफाई कर पाऊँ,
है ना, अंदर अंदर रखोगे और पता ही नहीं चलेगा, मुझे पता नहीं तुमने क्या क्या कॉन्सेप्ट समझ लिया होगा। मेक श्योर कि आप पूछ भी लें एक बारी, कहीं अगर डाउट रह जाए तो, ठीक है। तो हेजिटेट नहीं करना है, कि कभी कभी हम ऐसा घबराते हैं और थोड़ा सा ऐसा झिझक फील होता है कि यार मैम से पूछे हैं कि नहीं पूछे, पता नहीं डायलॉग तो नहीं सुनने को मिल जाएगा। कोई बात नहीं, सुन लेना डायलॉग, क्या हो गया, इतना अच्छा पढ़ाती है मैम, है ना, मतलब तुम ही लोग कहते हो यार, मेरे को तो पता नहीं बाकी, तो डायलॉग भी तो सुन ही सकते हैं, क्या हो गया, थोड़ा बहुत डांट तो खा ही लेना चाहिए, है ना। तो डायलॉग सुन लेना, लेकिन आंसर आपको मिल जाएगा, है ना। और वैसे भी मैं ट्राई करती हूँ थोड़ा सा लाइट, थोड़ा सा फ्रैंक हो पाऊँ आप लोगों के साथ, सो दैट आप ऐसा हेजिटेशन नहीं हो आपको, इन केस यू हैव अ डाउट, बिकॉज बहुत ज़रूरी है केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट में कि आपको एकदम क्लैरिटी हो, डाउट के साथ आगे बढ़ेंगे तो मुश्किल आएगी, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, और ये क्वेश्चन और भी इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करना है ना। तो ये देखिए, एक आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गिव द फॉलोइंग परसेंटेज कंपोजिशन, यानी कि उसमें कार्बन आपको इतना गिवन है, हाइड्रोजन इतना गिवन है और ऑक्सीजन इतना गिवन है। मॉलिक्यूलर वेट जो है कंपाउंड का 118 ग्राम है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपने बताना है। बता दो यार, मैं आपको पूरा 1 मिनट का ब्रेक दे रही हूं और उसमें आपको ये आंसर कैलकुलेट करना है, खुद करेंगे, बहुत अच्छा आपको फील होगा जब आप लोग सही आंसर दोगे, ठीक है, जल्दी से कम ऑन। बताइए, चुप हो जाओ आप, तुम कौन है डीएच गेमिंग वेमिंग, चुप 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 चुप, ठीक है। पूछना उधर 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 स्पेशल क्लास में पूछना, पता नहीं क्या लॉजिक फिट करते हो अपने दिमाग में और पता नहीं क्या क्या बोलते हो। अच्छा, और अब आप मुझसे मिलेंगे स्पेशल क्लास में, ठीक है, दोबारा देखना प्लीज, इसको दोबारा देख लेना ऐसा थोड़ा सा रिमाइंड कर, ठीक है, आपको समझ आएगा आप कितना फालतू का डाउट है आपके मन में। देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन बेहद आसान है वैसे तो, लेकिन कैलकुलेशन में हल्का टाइम आपको लगेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या गिवन है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन आपके पास गिवन है, जिसका आपको परसेंटेज गिवन है 4.684, तो इसका मतलब ये 4.684 ग्राम हो गया, मैं डायरेक्ट लिख ले रही हूँ, है ना। ये आपको गिवन है 5.085, ये भी ग्राम हो गया, और ये आपको गिवन है 54.228, तो ये ग्राम में इतना है। अब यहां से हम सबसे पहला काम क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स कैसे आएगा, 40.684 डिवाइडेड बाय 12, ये 5.085 डिवाइडेड बाय 1, 54.228 डिवाइडेड बाय 16, यहां से आपके पास नंबर ऑफ मोल्स निकल कर आ जाएंगे। मैं बताती हूँ, देखो आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू जो नंबर ऑफ मोल्स का निकल कर आएगा, दैट विल बी यहां से आपके पास आएगा 3.39, दिस विल बी 3.39, दिस विल बी 5.085, एंड ये भी आपका 3.39 ही निकल कर आएगा, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 3.39 आएगा। तो आपके पास यहां पर जो नंबर ऑफ मोल्स है ना, उनका रेशियो देखो कैसा आया है, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मोल्स का रेशियो आया है 3.39, 5.085 और ये कितना आया 3.39। फॉर्मूला क्या बनेगा, C 3.39, हाइड्रोजन 5.085, ऑक्सीजन 3.39। ओए होए, ऐसा फॉर्मूला होता है कभी, इतना खूबसूरत, ऐसा ऐसा सुना है कभी आपने, कार्बन 3.39, हाइड्रोजन इतना पॉइंट इतना और ये इतना पॉइंट इतना, ऐसा तो कभी होता ही नहीं है। तो यार अभी इसको हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, इतना दिमाग नहीं चलाना कि सीधा ये पॉइंट पॉइंट ही आप लोग इधर पुट करते, नहीं, यू विल हैव टू सिंप्लीफाई दिस। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, देखो सिंप्लीफाई करने का सबसे आसान तरीका क्या है, कि ये तीन में से जो सबसे छोटा नंबर है, तीन में सबसे छोटा नंबर क्या है 3.39, सबको 3.39 से डिवाइड कर दो, इसको भी 3.39 से डिवाइड कर दो और इसको भी 3.39 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा, दिस विल बी 1, ये भी 1 आएगा और ये बीच वाला 1.5 आ जाएगा, कितना आएगा 1.5 आ जाएगा। यार 1.5 को मैं 3/2 लिख लूं चलेगा, हाँ जी चलेगा, तो अभी इसको हम ऐसा 2:3:2 लिख सकते हैं। एक स्टेप मैंने मिस कर दिया, इतने में तो आपके दिमाग में हलचल हो गई होगी, है ना, तो मैं उसको भी लिख देती हूँ। तो आपके पास देखो रेशियो क्या है, 1:3/2:1 आ गया, है ना,
1:3/2:1 आ गया कि नहीं। तो यार यहां पर अब आपके पास क्या होगा, अगर मैं ये पूरे फॉर्मूला पूरे ये इसमें अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूं, यानी कि 1:2 बनेगा, फिर 3/2 × 2 क्या हो जाएगा, खाली 3 बचेगा और यहां पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो फाइनली मेरे पास ये सिंपल रेशियो आने वाला है, यानी कि आपके पास क्या आएगा, C2H3 और O। This is your empirical formula. या आपके पास क्या निकल कर आया है, empirical formula निकल कर आया है। लेकिन question में आपसे क्या पूछा है, question में आपसे पूछा है the molecular formula. And molecular formula is equal to empirical formula multiplied by n. ये वाला n अगर आप पूछ रहे हो तो अरे भाई पहले वाले question में जब empirical formula पूछा है तो empirical formula पूछा है ना, तो वहां थोड़ी ना n की value find out करेंगे। जब molecular formula पूछा जाएगा तो आप n को empirical formula से multiply कर दोगे। empirical formula में n थोड़ी ना आता है ना, उसको multiply करेंगे n to the empirical formula, then you will have your molecular formula, correct? तो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, empirical formula आप already जानते हो कितना आया, C2H3O2 multiply कर देना by n, whole n, you will have your molecular formula। पर ma'am n क्या आएगा, n कैसे find out करोगे, इट इज इक्वल टू द मॉलिक्यूलर मास। देखो मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड मैंने आपको बताया था ना क्वेश्चन में गिवन होता है, तो 118 दिया है, कितना गिवन है, 118 ग्राम गिवन है। फिर उसके बाद डिवाइड दिस बाय द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना आएगा, C2 है ना, तो 12 × 2 = 24 + 3 + 32 कितना हो गया, सोचना एक बारी, 27 + 32 59 हो गया, this is equal to 2, n is equal to 2 आया, तो बस आहा ये तो बड़ा आसान हो गया यार, molecular formula is equal to empirical formula मैम कितना आया, C2H3O2 कितना है, C2H3O2 और whole multiply कर देंगे किससे, with 2, तो यहां से आएगा C4H6O4, this is your molecular formula and this is your final answer। ये होता है empirical formula, molecular formula का concept। I think बेहद आसान है वैसे तो, पर काफी बार आपको ना वैसे मुश्किल आ जाती है, आप पहले घबरा जाते हो question देखकर, है ना, otherwise this is one very easy basic सा concept है, बहुत simple, क्या इसमें कुछ भी मुश्किल हुई। देखो टेलीग्राम पर आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे बेस्ड ऑन द सेम कॉन्सेप्ट, बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला, मेक श्योर यू प्रैक्टिस देम सो दैट यू हैव दैट एफिशिएंसी इन दिस कॉन्सेप्ट, राइट, आप ये सही से सीख पाए उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप वहां पर एक बारी क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। कूल, यस यस, ओए होए ये भी फिनिश हो गया यार, बस अब लास्ट बात पढ़नी है हमें, बहुत सिंपल सी बात है, देखो फिर इसके बाद मैं आपको बता देती हूँ, हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं स्टोशियोमीट्री, है ना, तो यहाँ पर अभी हम आपका स्टोशियोमीट्री पढ़ेंगे और स्टोशियोमीट्री के बाद आप लोगों को क्या करना है, लिमिटिंग रिएजेंट मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है, लिमिटिंग रिएजेंट मेधावी शॉर्ट्स में आपको मिल जाएगा, ठीक है, मेधावी शॉर्ट्स में ढूंढना, प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें एक टॉपिक है लिमिटिंग रिएजेंट्स के नाम से, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको देख लेना, वहां मैंने ऑलरेडी कराया, अब भी कराया यार, मतलब अभी शायद एक वीक पहले, वो तो देख सकते हो तुम लोग, देख लेना, अगर बिल्कुल ही तुमसे वो भी नहीं हो पाए तो मुझे बता देना, कभी बाद में मैं आपका वो लेक्चर 5 लगा कर ले लूंगी, बट यहाँ पर हम क्योंकि अभी मैंने जस्ट 1 वीक पहले ही फिनिश किया है तो आई डोंट फाइंड अ पॉइंट उसको वापस से एक हफ्ते बाद रिपीट करने का सेम ही कॉन्सेप्ट को, तो इसीलिए मैं नहीं कर रही हूँ अभी, पर अगर आपको बिल्कुल ऐसे हो जाए कि नहीं हमें तो यहीं पर चाहिए तो आप मुझे बता देना कॉमेंट सेक्शन में, ठीक है, उसको भी कर लेंगे लेक्चर 5 में, कभी किसी दिन लेक्चर 5 लगा लेंगे, दिन में लगा लेंगे और उसको फिनिश कर देंगे, ठीक है। चलो यार यहाँ पर स्टोशियोमीट्री की बात करते हैं, ऐसे तो सबको ही पता होता है स्टोशियोमीट्री क्या होती है, अब थोड़ा सा एनर्जी दिखना चाहिए मेरे को क्योंकि बस अब होने ही वाला है, यानी कि अब आपका ये टॉपिक जो है मोल कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट फिनिश होने ही जा रहा है, सो मेक श्योर यू स्टिल हैव दैट एनर्जी जो मेरे को देखने के लिए मिला था इन द स्टार्ट ऑफ द सेशन, है ना, तो उसी सेम एनर्जी के साथ सेशन को वाइंड अप भी करेंगे और बहुत जल्द अब आप फ्री हो जाएंगे क्योंकि आपका ये फिनिश होने वाला है, ठीक है। देखो यार स्टोशियोमीट्री ना आपको अलग अलग इंफॉर्मेशन देता है, पहला तो वो आपको नंबर ऑफ मोल्स का रिलेशन देता है, किसका रिलेशन देता है, मोल्स का रिलेशन देता है, इस बात का मतलब क्या है, मतलब यार यही है जो आप ऑलरेडी जानते हैं, जैसे N2 + 3H2 gives you 2 अमोनिया, यहां पर स्टोशियोमीट्री क्या है,
स्टोशियोमीट्री ये है, ये जो कोफिशियंट लिखे होते हैं ना, ये स्टोशियोमीट्री होता है. जैसे नाइट्रोजन के आगे 1, हाइड्रोजन के आगे 3, यहाँ पर 2 अमोनिया के आगे, इसको क्या बोलते हैं, स्टोशियोमीट्री कहते हैं. तो स्टोशियोमीट्री से आपको नंबर ऑफ मोल्स का अंदाजा लग पाता है. आप समझ पाते हो कि यार यहाँ पर देखो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन है, फिर 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन है, और आपके पास 2 मोल्स किसके हैं, अमोनिया के. तो आपको किसी ने कहा नहीं, पर बैलेंस्ड इक्वेशन देखकर स्टोशियोमीट्री के हेल्प से आप समझ गए कि आपके पास कितने मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, कितने मोल्स ऑफ हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करकर आपको कितना मोल्स ऑफ अमोनिया देंगे. ठीक है, दैट मींस यहां पर आपके जो नंबर ऑफ मोल्स हैं, आपके जो स्टोशियोमीट्रिक कोफिशिएंट है, वो दे आर रिप्रेजेंटिंग योर नंबर ऑफ मोल्स. दैट मींस हियर दे आर गिविंग यू द आइडिया अबाउट द नंबर ऑफ मोल्स यू हैव, राइट. फिर आगे बढ़ते हैं. इसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि यार मेरे को एक बात बताओ कि यहाँ पर अगर मेरे को 10 मोल्स चाहिए अमोनिया के, है ना, अगर मैं चाहती हूँ कि मेरे पास 10 मोल्स बन जाए किसके, अमोनिया के, तो मेरे को कितने मोल ऑफ नाइट्रोजन और कितना मोल ऑफ हाइड्रोजन लेना चाहिए? क्या लगता है आपको कितना मोल्स लेना चाहिए मुझे नाइट्रोजन का और कितना मोल्स लेना चाहिए हाइड्रोजन का? जल्दी से बता दो यार, बोलो बोलो, कमोन कमोन, क्विकली क्विकली, फटाफट. थक गए तुम लोग, है ना? वैसे हमारा एक और सेशन है, पता है आपको, अभी 10:30 PM, ऐसा छोटू सर्टी नहीं मिनी सेशन है एकदम. क्या बोल रहे हो? हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. इसको 5 लेंगे, है ना, ये 5 मोल्स, और ये कितना हो जाएगा, 15 मोल्स, क्योंकि भाई मोल्स का रेशियो होना चाहिए ना सेम टू सेम. ये देखो 1:3:2 का रेशियो आना चाहिए, यहाँ पर 5:15 और 10 में कितना रेशियो है, 1:3:2 का ही तो रेशियो है, है ना, 1:3:2. यप, आहा वाह वाह, है ना, कूल, अंडरस्टूड. चलिए आगे बढ़े. आगे यार नेक्स्ट जो आपको रिलेशन मिलता है वो वॉल्यूम का रिलेशन मिलता है. क्या मिलता है आपको, नंबर 2, यू हैव द वॉल्यूम का रिलेशन स्टोशियोमीट्री के हेल्प से, जो आप ऑलरेडी देख चुके हो, यही तो पढ़ा है आपने गेलियोसैक्स लॉ में, है ना, N2+3H2 गिव्स यू 2 अमोनिया. अभी आपने पीछे गेलियोसैक्स लॉ पढ़ा, उसमें आपने यही तो देखा कि यहाँ पर आपके पास अगर ये 1 ml हो जाए तो आपको इसका 3 ml लगेगा और इसका 2 ml मिलेगा, यही पूछा था मैंने आपको. लेकिन बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है कि वैलिड ओनली गैसेस के केस में, है ना, एक N2+O2NO वाला केस था जहां ये वैलिड नहीं है, अभी अभी पढ़कर आए हैं. तो इतनी बात आप ध्यान रखेंगे कि दिस इज वैलिड ओनली एंड ओनली गैसेस के केस में. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मास का रिलेशनशिप भी यहां पर देखने के लिए मिलता है. किसका रिलेशन, मास का रिलेशन भी मिलता है. यानी कि अगर आपके पास यार देखो N2 है प्लस 3H2 है एंड यू हैव द सेम इक्वेशन 2 अमोनिया, तो पता है आप यहां से ये भी कह सकते हो कि देखो यार 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन विल रिएक्ट विद 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन टू गिव यू 34 ग्राम ऑफ अमोनिया. कूल. अब देखो यहां से बहुत एक काम की बात आपके सामने आ जाएगी. आप ये कह सकते हो कि भाई 28 ग्राम नाइट्रोजन से मेरे को 34 ग्राम क्या मिलता है, अमोनिया मिलता है. तो अगर मैंने लेट से 96 ग्राम अगर मैंने नाइट्रोजन लिया होगा तो बताओ मेरे को कितना अमोनिया मिलेगा, है ना. यहां से आप समझ गए ना, क्वेश्चन देखो कैसे पूछा जा सकता है कि यार 28 ग्राम नाइट्रोजन से अगर आपको 34 ग्राम अमोनिया मिलता है, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं आएगा, ये आपको खुद दिमाग लगाना है. क्योंकि ये जो बैलेंस्ड इक्वेशन है यहां से समझ आ रहा है कि भाई अपना 28 ग्राम नाइट्रोजन 6 ग्राम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर 34 ग्राम नाइट्रोजन अमोनिया देता है. तो अगर 28 ग्राम नाइट्रोजन गिव्स यू 34 ग्राम ऑफ अमोनिया तो 96 कितना देगा, ये सिंपल यूनिटरी मेथड है, कितना हो जाएगा 34/28 मल्टीप्लाइड बाय 96, दिस मच ग्राम ऑफ अमोनिया, है ना. ये क्वेश्चन आपके बहुत काम आने वाला है और ऐसा ही बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन मैंने भी आपके लिए यहां पर रखा है. इसको फटाफट कीजिए और आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा. पूछ रहे हैं आपसे कि व्हाट मास ऑफ CO2 गैस विल बी ऑब्टेन्ड ऑन हीटिंग 300 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट. यानी कि देखो हमारे पास ये रिएक्शन होता है यार,
कैल्शियम कार्बोनेट का थर्मल डीकम्पोजिशन किया जाए तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो वो आपसे पूछना चाहते हैं कि यार यहाँ पर आपके पास कितना मास आएगा ये कार्बन डाइऑक्साइड का, अगर आप लोग 300 ग्राम, अगर आप ये इसका कैल्शियम कार्बोनेट का 300 ग्राम ले रहे हो तो CO2 कितना बनेगा, वो आपसे ये पूछ रहे हैं। करिए फटाफट ये क्वेश्चन को, आपको सब कुछ आता है, जल्दी जल्दी फटाफट। पता है हमने ऐसा थोड़ा लेंदी लेंदी क्लास लेकर इसको काफी जल्दी फिनिश कर लिया है, अदरवाइज लास्ट ईयर आपको पता है पूरा टोटल 7 लेक्चर्स में हमने इसको फिनिश किया था मोल कॉन्सेप्ट को, बट इस बारी हमने 4 लेक्चर्स में इसको फिनिश किया बिकॉज आई वॉन्टेड कि ऐसा एक प्रिसाइज सा प्लेलिस्ट बने हमारे पास, है ना। 132, आर यू श्योर? लेट मी चेक। अरे वाह यार, तुम तो प्यारे टाइप के निकले एकदम, है ना। 132 ग्राम एकदम परफेक्ट आंसर है। फिर करते हैं इसको फटाफट, देखो आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास कितना होता है 100, और यहां पर मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है 44। तो भाई अगर आपके पास 100 ग्राम से 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनता है तो 300 ग्राम उसका डबल हुआ, तो सॉरी ट्रिपल हुआ, 100 का ट्रिपल हुआ ना आपका यार 300 ग्राम, है ना। 100 का ट्रिपल इज 300 ग्राम, तो 44 का भी ट्रिपल ही हो जाएगा, यानी कि 44 × 3 विच इज 132 ग्राम। बहुत तरीके से क्वेश्चन को किया जा सकता था ये रिलेशन देखकर, या फिर कि 100 से 44 मिलता है तो 300 से कितना मिलेगा, 44/100 × 300, या फिर आप नंबर ऑफ मोल्स भी कैलकुलेट कर सकते थे, जैसे आप चाहे वैसे क्वेश्चन किया जा सकता था। ये PDF में आपको 2 क्वेश्चन एज होमवर्क में दे रही हूँ, ये वाला क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट, दिस इज योर होमवर्क। नाउ दिस इज इवन मोर इंपॉर्टेंट, दिस इज ऑल्सो योर होमवर्क, और ये हम स्पेशल क्लास में डिस्कस करेंगे मंडे के स्पेशल क्लास में। स्पेशल क्लासेस फ्री क्लासेस होती है, हर कोई अटेंड कर सकता है। देखो 3 क्वेश्चन आपको होमवर्क मिल चुके हैं, फिर इसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा, यहां पर पूरा डिटेल में 40 मिनट्स का सेशन मैंने उसके ऊपर लिया है, आप वहां से करेंगे। अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ आते हैं, परसेंटेज यील्ड, और फिर आखिरी आपके पास आ जाएगा यहां पर परसेंटेज प्योरिटी, एंड वी विल बी डन विद मोल कॉन्सेप्ट। आराम से समझते हैं, ठीक है। देखो परसेंटेज यील्ड किसको कहते हैं, परसेंटेज यील्ड किसको कहते हैं, ये सामने क्या दिख रहा है ऐसा यम यम टाइप्स, कैसा लग रहा है देखने में ये जो सामने दिख रहा है आपको, खाने की चाहत हो रही है या फिर मैम हमें नहीं कोई खास पसंद, बताने एक बारी, क्योंकि यार देखो थक तो गए हैं हम भी, परंतु अब जब आपसे कहा है कि ये लास्ट लेक्चर है तो लास्ट ही करना पड़ेगा, और जब लास्ट है तो पूरा ही करना होगा, है ना, और ज्यादा बचा भी नहीं है, बहुत कम है परसेंटेज प्योरिटी और परसेंटेज यील्ड, और इसको पूरा करते हैं, पर फिनिश करने के बाद मेरे को अच्छा लगेगा कि आहा इन लोग का मोल कॉन्सेप्ट हो गया, है ना, टेस्टी कपकेक, ओए होए ओए होए होए, ठीक है। तो हाँ जी, ये जो आप जो है ना, आप जस्ट इमेजिन कि आप जो है ऐसा शॉपकीपर के पास गए, तुम्हें नहीं आता कपकेक वगैरह बनाना, है ना, इतना एक्सपर्ट तो वैसे भी हो नहीं तुम, तो तुमने क्या किया, मार्केट में ना ऐसा वो मिलता है पूरा बैटर मिलता है, बैटर मतलब बस उसको आप लोग ऐसा मोल्ड्स में डालिए, ओवन में रखिए, कपकेक अपने आप बन जाएगा, ठीक है। तो आप मार्केट से लेकर आए क्या, बैटर लेकर आए, शॉपकीपर ने आपको क्या कहा, शॉपकीपर ने कहा कि देखो यार ये बैटर से टोटल 12 कपकेक्स बन जाएंगे, कितने बन जाएंगे, 12 कपकेक्स बन जाएंगे, आप खुश, नहीं नहीं नहीं, उन्होंने आपको ना 2 दिखाया कि एक 9 कपकेक वाला, एक 12, तुमने सोचा चलो यार 12 वाला लेकर जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा कपकेक खाएंगे, घर पर भी सबको खिलाएंगे, ओके। फिर आपने जब आकर वो बैटर खोला, उसको पानी में मिलाया, फिर मोल्ड्स में डाला, तो आपको पता है क्या पता चला, कि उससे तो केवल 9 ही कपकेक बन पा रहे, ओ माय गॉड, धोखा हो गया आपके साथ, है ना, क्या करोगे, शॉपकीप कर के का नहीं, कुछ नहीं करोगे तो, है ना, एकदम प्यारे नाइस पोलाइट सिटीजन है आप, कुछ करेंगे नहीं, पर आपको धोखा टाइप का तो फील हो ही जाएगा। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ कि आपने एक्सपेक्ट क्या किया था, दीज वर योर एक्सपेक्टेशंस, यानी कि ये आपका एक्सपेक्टेड अमाउंट था, इतना बनना चाहिए, तो ये आपकी क्या थी, एक्सपेक्टेड यील्ड थी,
इसको क्या बोलते हैं, यील्ड बोलते हैं। यील्ड मतलब होता है कितना बना। केमिस्ट्री में जैसे हम लोग कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो लास्ट में यील्ड रिपोर्ट करते हैं, ठीक है। आप भी बड़े होकर अगर केमिस्ट्री कभी पढ़ेंगे तो जब भी आप कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे, किसी कंपाउंड का सिंथेसिस करेंगे यानी कोई कंपाउंड बनाएंगे, तो हम लास्ट में यील्ड रिपोर्ट करते हैं कि यार इसका इतना यील्ड आया, मतलब ये इतना ग्राम बना है हमारे पास, है ना। तो आपका दिस वॉज योर एक्सपेक्टेड यील्ड, लेकिन आपके पास ऑब्जर्व्ड कितना है एक्चुअल, ये आपके पास एक्चुअली हुआ। रियलिटी इज कि आपके 9 ही कपकेक्स बन पाए, तो दिस इज योर एक्चुअल यील्ड। तो यहां पर परसेंटेज यील्ड हम किसको कहते हैं, देखो परसेंटेज यील्ड इज दी एक्चुअल या फिर एक्सपेरिमेंटल यील्ड, यानी कि एक्चुअली कितना प्रोडक्ट बना है, यानी कि एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद रियलिटी में आपके पास कोई चीज कितनी बनी है, डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड। दिस इज नॉट एक्सपेरिमेंटल, दिस इज एक्सपेक्टेड, डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड या फिर थ्योरेटिकल यील्ड। मैं लिख देती हूँ पूरा ही, एक्सपेक्टेड या फिर थ्योरेटिकल यील्ड, यानी कि आपका जैसे आप लोग कपकेक का बैटर लेने गए तो पीछे बॉक्स के पीछे क्या लिखा था कि आइडियली थ्योरेटिकली वो लिखा हुआ क्या था उस पर 12 बन जाएगा, पर बना कितना 9। तो वो कपकेक के सीन में परसेंटेज यील्ड कितना हो गया, 9/12 × 100, दिस इज योर परसेंटेज यील्ड वो कपकेक वाले केस में, ठीक है। तो अगर आपको किसी का एक्चुअल या एक्सपेरिमेंटल यील्ड पता हो, फिर अगर आपको उसका एक्सपेक्टेड यील्ड पता हो, 100 से मल्टीप्लाई कर आप परसेंटेज यील्ड फाइंड आउट कर लेंगे कि नहीं, हाँ जी कर लेंगे, बस यही होता है, यही होता है परसेंटेज यील्ड, ठीक है। फिर इसके बाद परसेंटेज प्योरिटी की बात करते हैं, क्वेश्चंस करेंगे हम लोग स्पेशल क्लास में, परसेंटेज प्योरिटी की पे बात कर लेते हैं। देखो यार ऐसे गोल्ड होता है, गोल्ड में भी हम क्या बोलते हैं, 22 कैरेट है, 24 कैरेट है, ऐसा बोलते हैं कि नहीं, इसका मतलब हम वहां पर प्योरिटी की बात करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल आपके पास गोल्ड है और गोल्ड में ना कुछ कुछ मिला हुआ है, लेट्स से कॉपर है या फिर और भी कुछ कुछ ऐसा थोड़ी बहुत क्वांटिटीज में प्रेजेंट है, तो आप क्या कहोगे कि उसके अंदर सर्टेन इंप्योरिटीज है, मतलब आपके पास 100% प्योर मेटल प्रेजेंट नहीं है। अब यार उसमें फिर आपको चेक करना पड़ेगा कि इसकी परसेंटेज प्योरिटी कितनी है, भाई ये जो मेरे पास मेटल का ब्लॉक प्रेजेंट है इसकी प्योरिटी कितनी है, इसमें गोल्ड कितना है और बाकी का इंप्योरिटीज कितना है। तो उसके लिए हम किसको डिफाइन करते हैं, परसेंटेज प्योरिटी को डिफाइन करते हैं, करेक्ट। तो जब आप परसेंटेज प्योरिटी की बात करते हैं तो हमारे पास ध्यान रखिएगा, कोई भी एक इम्प्योर कंपाउंड होता है, गोल्ड का तो मैंने एग्जांपल लिया क्योंकि आप समझ जाएंगे उसको, लेकिन अगर आपके पास कोई भी एक इम्प्योर कंपाउंड है ना, लेट्स से यू हैव अ इम्प्योर कंपाउंड, तो वो जो आपका इम्प्योर कंपाउंड होता है उसके अंदर हमारे पास दो कंपोनेंट्स होते हैं। इतनी खूबसूरत राइटिंग आ रही है, देखो रुक जाओ प्लीज, थोड़ा प्यारा प्यारा लिख लेते हैं, है ना। इम्प्योर कंपाउंड आपके पास जो भी होता है उसमें आपके पास एक तो क्या होगा, प्योर कंपाउंड होगा भाई, जिसकी तुम लोग प्योरिटी फाइंड आउट कर रहे हो वो होगा एक तो, और साथ साथ कौन प्रेजेंट होंगी, इम्प्योरिटीज भी प्रेजेंट होंगी, साथ साथ क्या होंगी, इम्प्योरिटीज होंगी। तो अगर आप परसेंटेज प्योरिटी की बात करते हैं, यानी कि परसेंट प्योरिटी आप कैसे डिफाइन करते हैं, दिस विल बी इक्वल टू मास ऑफ प्योर कंपाउंड डिवाइडेड बाय मास ऑफ द पूरा कंपाउंड मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। क्या आ जाएगा आपके पास कि यार आपके आपका मास ऑफ प्योर कंपाउंड कितना है उसके अंदर, डिवाइडेड बाय आपके पास मास ऑफ इम्प्योरिटी कितना है, इम्प्योर कंपाउंड कितना है, मतलब बेसिकली पूरा जो मिला है वो कितना है, मल्टीप्लाइड बाय 100, बिकॉज यू आर सपोज टू फाइंड आउट दी परसेंटेज, राइट, यू हैव टू रिपोर्ट दी परसेंटेज प्योरिटी, एंड हेंस 100 से तो आपको एंड में मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। बस आहा, ओहो मुश्किल, नो मैम मुश्किल मुश्किल, नो 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 नो, आया समझ, यस 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 यस, आहा वाह वाह मजा आ गया मजा, परसेंटेज प्योरिटी आया आपको समझ की नहीं आया भाई, मास ऑफ प्योर कंपाउंड डिवाइडेड बाय मास ऑफ इम्प्योर कंपाउंड मल्टीप्लाइड बाय 100। ये फॉर्मूला कोई आपको ना भी बताया ना तो भी इतनी कॉमन सेंस तो सब में होती है कि अगर वो प्योरिटी पूछेगा तो सब ऐसे ही फाइंड आउट करेंगे, है ना। फॉर एग्जाम्पल आपके पास, मैं एक एग्जाम्पल ही दे देती हूँ आपको, आपके पास लेट्स से एक गोल्ड का गोल्ड का आपको ऐसा कोई मेटल ब्लॉक गिवन है ना, एक गोल्ड का मेटल ब्लॉक गिवन है आपको। अब भाई उसके अंदर उन्होंने आपको बताया कि देखो यहां पर आपके पास टोटल 98 ग्राम तो क्या है, गोल्ड है, और बाकी 2 ग्राम उसके अंदर कॉपर प्रेजेंट है। तो अगर आप बताओगे कि ये कितना प्योर है तो परसेंट प्योरिटी यहां कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू
कितना हो जाएगा बताओ, 98 ग्राम विच इज मास ऑफ योर प्योर कंपाउंड, क्योंकि आप प्योरिटी किसकी कैलकुलेट कर रहे हो, गोल्ड की, डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि टोटल मास ऑफ द कंपाउंड कितना है, मतलब कंपाउंड तो है नहीं यहाँ पर, खैर अलॉय हो जाएगा ये, मिक्सचर ऑफ मेटल्स इज अलॉय, तो यहाँ पर 98 प्लस 2 इज व्हाट 100, तो 98 प्लस 200 डिवाइडेड बाय 100 98%, तो परसेंटेज प्योरिटी कितना है, 98% है, ठीक है, बस दिस वॉज दी कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेज प्योरिटी. सो दैट्स ऑल, वी आर डन विद मोल कॉन्सेप्ट, मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन. आज के सेशन पर तो बहुत सारा मुझे ऐसा एंगेजमेंट दिखना चाहिए यार, क्योंकि आखिरी सेशन था आपका ये मोल कॉन्सेप्ट का, है ना, ऐसा जल्दी जल्दी हमने इसको फिनिश किया. स्टार्ट करते हैं कल से पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, हालांकि कल संडे है, पर आकांक्षा मैम अपना संडे कर रही है आपके नाम, सो दैट टाइमली हम लोग सारे यूनिट्स फिनिश कर पाए यार, और ऐसा गुड गुड फीलिंग आएगा फिर जब हम एक एक कर सारा सारा यूनिट्स फिनिश करेंगे, है ना, तो इतना यार अब संडे आपके लिए करेंगे, तो आप भी जरूर आइएगा, कल पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का फर्स्ट लेक्चर होने वाला है, इसको पढ़ लीजिए तब तक अच्छे से, कल संडे का दिन आराम आपको मिल जाएगा काफी, क्योंकि रात 8 बजे क्लास है, बाकी स्पेशल क्लास कल नहीं होगी, मंडे होने वाली है, मंडे तक इसको बहुत बढ़िया से कर लीजिए यूनिट को. आज का लेक्चर में काफी कुछ डिस्कस किया मैं समझ सकती हूँ, वापस से देखेंगे और अच्छे से नोट्स बनाएंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जितना आपको होमवर्क दिया गया उसको करेंगे, आई एम श्योर आपको बहुत बढ़िया लगेगा, मजा आएगा, सब समझ आएगा, पूरा मोल कॉन्सेप्ट का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा वो मुझे बताइएगा इन द कमेंट सेक्शन. और हम लोग अपना एक यूनिट फिनिश कर चुके हैं, वाओ, है ना, चलिए मिलते हैं कल, और वैसे अभी कुछ देर बाद भी एक ऐसा छोटा सा सेशन आपका उसके साथ. सो दैट वाज ऑल, थैंक यू वेरी मच, गुड लक, टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर.